पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुष्टे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाई तुलसी देवी प्रिया ऐ केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतये नमो नमः तमादि देवं करुणानिदानं तमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं जं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहका तरआजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदिरये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद एक बार हाथ उठाकर बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री परीक्षित महाराज ने कली को स्थान दिया, इसलिए उन्होंने कली को स्थान दिया क्योंकि ये कलियुग साधारण कलियुग नहीं, ये कलियुग धन्य कलियुग है क्योंकि इसी कलियुग में श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जन्म ग्रहण करेंगे और सर्वत्र ये हरि कीर्तन को प्रचार करते हुए जीवों को कल्याण करने वाले उद्धार करने वाले, इसलिए उन्होंने कलियुग को स्थान दे दिया। कलि को कहाँ कहाँ पर स्थान दिया? पहला नंबर है जुआ नहीं खेलनी चाहिए। धर्म का पहला चरण सत्य, जो जुआ खेलता है वो केवल झूठ पर झूठ बोलना पड़ता है, इधर उधर से पैसा लेकर के तुमको दे दूंगा कोई चिंता मत करो, केवल झूठ पर झूठ बोलते हैं। और जुआ खेलने से जीव का सर्वनाश हो जाता है, घर दुकान मकान सब बिक जाती है, वो दरिद्रता को प्राप्त करता है, इसलिए कभी हमें जुआ नहीं खेलनी चाहिए। दूसरा नंबर है किसी तरह का कोई नस्ली वस्तु को पान मत करो, पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब गुटखा चाय तक भी नहीं लेनी चाहिए। चाय पीते हैं ना सबके सब, इसलिए गर्म दूध पिया करो चाय मत पिया करो। कल मैंने बताया था उसमें निकोटीन और कफीन इसके अंदर में एक नस्ली वस्तु है, ठीक है ना। और तीसरा नंबर है अवैध रूप में स्त्री संग मत करो,
मतलब है बगैर शादी के स्त्रियां पुरुष और पुरुष से स्त्री नहीं मिलनी चाहिए, वहां पर अपवित्रता नष्ट पवित्रता नष्ट हो जाती है। जो चौथा धर्म है कहते हैं दया। अगर मांस मछली अंडा प्याज लहसुन खाएंगे तो हृदय से दया नष्ट हो जाती है। अगर दया हो तभी भी हम जीवन में मांस मछली नहीं खा सकते हैं, क्योंकि वो भी प्राणी है, वो भी भगवान की संतान है। इसलिए एक संतान दूसरे संतान को काट करके खाना ये पाप है, इसलिए इसका नाम मांस। मांस मतलब क्या? मांग मुझको सह, मतलब अभी तुम जिसको खा रहे हो बाद में तेरे को जो फिर काट कर खाएगा, इसलिए उसका नाम मांस है। और इंग्लिश में कहते मीट, मीट मतलब क्या? बोले मी ईट, मी मतलब मुझको, ईट मतलब खाना, तू जिसको खा रहे हो बाद में तेरे को जो फिर काट कर खाएगा। इसलिए जीव हिंसा को ये चार पापों में सबसे जो बड़ी पाप बताया ये मांस मछली खाना, इससे बड़ा पाप दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए ये चार नियम का पालन करते हुए क्या करनी चाहिए? भगवान के नाम जप करनी चाहिए। एक बार हाथ उठाकर बोलो, बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ये पीछे बच्चे जो गुब्बारा खेल रहे हैं ना, इसे गुब्बारा छीन लो इनसे, बच्चे से। ये गुब्बारा किसके बच्चे ये हैं? ये बच्चे किसके हैं? ये गुब्बारा को अपना पास में रख लो और बच्चों को अपना पास में बैठा कर रखा कर। अभी ब्रह्मा जी सृष्टि करना चाहते हैं, भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी सृष्टि हुए। भगवान ब्रह्मा जी को आदेश दिया ये सृष्टि का क्रम को तुम बढ़ाओ। सर्वप्रथम उन्होंने चतुष्ण को सृष्टि की, इनकी सृष्टि की आदेश दी, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं की। फिर तो क्रोध आया ब्रह्मा जी को, ललाट से श्री रुद्र प्रकट हुए, बोले तुम भी सृष्टि के क्रम बढ़ाओ। शंकर जी सोचे बड़े भैया तो मना कर दिए, अगर छोटे भैया अगर मना कर देगा फिर पिताजी को क्रोध नहीं आए, ऐसे काम करो पिता अपने आप बंद कर दे। फिर उन्होंने सृष्टि किया, सृष्टि किया भूत पिशाचों को, बोले भैया ये सृष्टि कर रहे हो ना, संहार कर रहे हो, चुप बैठो, जरूरत नहीं। शंकर जी प्रसन्न हो गए। परछाई से करदम ऋषि प्रकट हुए और उन्होंने 10 संतान और वाम और दक्षिण शरीर से मनु और शतुरूपा को सृष्टि की। यहीं से सृष्टि प्रारंभ हुई, मनु महाराज से हुए हैं, इसलिए हमको श्री मानव कहलाते हैं। अभी यहाँ पर श्री करदम ऋषि की कथा आती है। ये करदम ऋषि कठोर तपस्या करते हैं, भगवान संतुष्ट होकर के दर्शन देते हैं, बोले बेटा बताओ तुमको क्या चाहिए? बोले प्रभु आपकी चरण में हमें भक्ति चाहिए। बोले तथास्तु। बोले और क्या चाहिए? बोले मेरे मन में तो कोई घर गृहस्थी की इच्छा है ही नहीं, लेकिन आपकी इच्छा संसार का क्रम बढ़े। हम तो संसार कर सकते हैं लेकिन एक शर्त को ऊपर में। बोले बताओ क्या शर्त है? बोले पहला शर्त है आप अगर मेरे बेटे बनकर के आओगे ना मैं शादी करूंगा। बोले ठीक है मैं बेटा बनूंगा। बोले दूसरा शर्त क्या? बोले तब तक संसार में रहूंगा जब तक संतान नहीं हो जाए, फिर मैं भजन करने के लिए चल पड़ूंगा। बोले कोई बात नहीं। फिर माता देहूति को साथ में कहते इसकी इनकी देहूति को साथ में शादी होती है। लेकिन जब शादी हुई फिर ऋषि भजन के लिए बैठ गए। जब ऋषि भजन के लिए बैठ गए माता देहूति अपना पति व्रता धर्म को पालन करते हुए उन्होंने पति की सेवा की। जब सेवा की पति अभी भोजन नहीं कर रहे हैं फिर पत्नी भोजन कैसे करेगी? उन्हें 10 साल तक भजन में बैठे और माता देहूति पति की आकुति देहूति प्रसूति ये तीन बहन थे और ये तीन बहन इतने सुंदर थी देखने में। जब इनकी रूप को देवता लोग देखते थे वो भी मोहित तो हो जाते थे, इतने सुंदरी ये तीनों थे। लेकिन इनकी पति सेवा करते 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 उन्हें बूढ़ी हो गई और इनकी जटाजुट भी हो गई। हाँ इधर देखो हरे कृष्णा, कहते इनकी जटाजुट हो गई। बोले क्यों? हाँ ध्यान देकर सुना। कहते इसलिए जटाजुट इनको हो गई, पति खाना नहीं खा रहे इसलिए भी भोजन नहीं कर रहे,
कैसे नहीं, पत्नी खुद भोजन करे, पति को खिलाए नहीं, बच्चे को खुद चट करके खा ले, नहीं ये पत्नियों का धर्म नहीं। पहले क्या करो, प्रसाद बना करके सबसे पहले ठाकुर को भोग लगाओ, किसको देने से पहले ठाकुर जी को पहले भोग लगाओ, फिर बच्चों को खिलाओ, पति को खिलाओ, फिर बाद में फिर माताओं को खानी चाहिए। पति को भोजन किए बगैर नहीं खानी चाहिए। अभी पति तो भोजन कर ही नहीं रहे, पति तो भोजन कर ही नहीं रहे, पर पत्नी कैसे भोजन करेगी? इसलिए पति के बगैर भोजन नहीं की, इसलिए उनकी एकदम बुरी हो गई। फिर पति भी भजन में बैठे हुए, फिर पत्नियां जो श्रृंगार करती है, किस लिए श्रृंगार करती है? पत्नियां क्यों श्रृंगार करती है? पति के लिए। इसलिए हमने अपना गांव में देखा, जितने माताएं होती है ना, वो सवेरे कोई श्रृंगार नहीं करती थी, वो श्रृंगार करती थी शाम को श्रृंगार करती थी। बोले क्यों? बोले पति तो गया काम में, फिर श्रृंगार करके किसको दिखाएगी वो? पति शाम को आएगा। इसलिए माताएं हमने देखा, ये शाम को माताएं श्रृंगार करती थी शाम को। अभी कर्दम ऋषि बोले, बोले तुम्हें क्या चाहिए? बोले आपने शादी क्यों किया था? भगवान से बोले थे ना, तभी मैं शादी करूंगा अगर आप बेटे बन करके आओगे। बोले काम करो, जाओ ये बिंदु सरोवर में स्नान करो। वो स्नान करते ही पहले जितने सुंदरी थी ना, उससे भी ज्यादा सुंदर, बेलन वाले, गुब्बार वाले, ओ गुब्बार वाले, अभी नीचे उतर, ये कथा कोई नहीं सुन रहे, तुम्हारे गुब्बारा देख रहे हैं, बाद में करना जब कीर्तन होगा तभी आने, गुब्बारे को उधर रखो, जाओ उधर नीचे जाओ, नीचे उतर, ये बहुत गुब्बारा होगा। ये माताएं सब गुब्बारा देख रहे हैं, कोई कथा नहीं सुनती। हरे कृष्णा। इसलिए अभी उन्होंने, जब उन्होंने स्नान की, स्नान करते ही उन्होंने पतिव्रता धर्म को जाजन की ना। देखो पतिव्रता धर्म जाजन करने का कितने महत्व है। वो उसमें स्नान करते ही पहले जितने सुंदरी थी, उससे ज्यादा सुंदरी बन करके प्रकट हुई, और हजार दास दासियां वहां से प्रकट होती हैं। तब उन्होंने श्री कर्दम ऋषि अपना योग प्रभाव से एक सुंदर उन्होंने विमान प्रकट की, कितने योजन तक, जिसको अंदर में बड़े सुंदर सरोवर है, जिसमें सुंदर हैं कोयल, जिसमें कुहूक रहे हैं, जिसमें चार तरह का कमल फूल खिले हुए, राज हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, जिसमें सुंदर राज महल है। अगर उसमें कोई बैठ है ना, कभी उसको भूख नहीं लगेगी, कभी प्यास नहीं लगेगी, और उसमें जो बैठेगा वो कभी बूढ़ा बूढ़ी कभी नहीं बनेगा। ऐसे अद्भुत अद्भुत उन्होंने विमान प्रकट की, और आकाश में भ्रमण करते रहे। विमान में भ्रमण करते करते उनको 9 बेटी हुई, बड़ी प्यारी प्यारी बेटी हुई। अभी कर्दम ऋषि बोले, देवती अभी तो खुश हो गई, तेरे को 9 बेटी? बोले नहीं, बेटियां तो शादी करके अपना ससुर घर चली जाएंगी, फिर मेरे पास में कौन रहेगा? भगवान बोले ना, बेटे बन करके आएंगे। फिर माता देवती कर्दम ऋषि की सेवा की, फिर भगवान स्वयं श्री कपिल मुनि बन करके आए। बोले श्री कपिल भगवान की हाँ। देखो कोई कोई कल तो मकर संक्रांति पालन किया, आज भी मकर संक्रांति है, कल भी था और आज भी है। आज जो गंगा सागर में जो कपिल भगवान के दर्शन मिलता है, साल में एक बार मिलता है, आज दर्शन मिलेगा। समुद्र का पानी अपने आप नीचे चली जाती है, और एक बार उनको साल में ठाकुर जी की दर्शन होगी। आज भी वहां पर लाख लाख लोग गए होंगे दर्शन करने के लिए, गंगा सागर में स्नान करने के लिए, और इलाहाबाद में प्रयाग में स्नान करने के लिए, इतने भीड़ वहां पर है। लेकिन जो लोग स्नान करने के लिए गए उनको जितने पुण्य मिलेगी ना, लेकिन जो कथार भी गंगा में नहा रहे हो, उससे करोड़ों गुण आपको ज्यादा फल मिलेगा, यहाँ करोड़ों गुण ज्यादा फल मिलेगी है। क्योंकि भगवत कथा रूपी गंगा में स्नान का सबसे ज्यादा महत्व है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। ये कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। और श्री शंकर जी पार्वती को क्या कहती हैं?
सतसंगति दुर्धा बसंसारा निमिषा दंड भर एकवारा। शंकर जी कहते पार्वती अगर एक घड़ी आधी घड़ी और आधी से पुण्य आध तुलसी सतसंगत में ना से कोटि अपराध। किसने नहीं बताया जगत में पैसा दुर्लभ है, किसने नहीं बताया दुकान मकान दुर्लभ है, किसने नहीं बताया तुमको बीपी दुर्लभ है, लेकिन शास्त्र कहता है सत्संगति दुर्लभ संसार। संसार में सत्संग दुर्लभ है, इसलिए हम लोग पहले सुना था, ध्यान देकर सुनो। जिस समय सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे थे, जिन 33 करोड़ देवता को हमें पूजा करते हैं, सारे 33 करोड़ देवता स्वर्ग का अमृत कलश लेकर के आए, बोले हे सुखदेव गोस्वामी लो ये पूरा के पूरा अमृत कलश ले लो और ये परीक्षित महाराज को पिला दो, ये अमर बन जाएगा। लेकिन ये जो भागवत कथा सुनाने जा रहे हो हमें कथा सुना दो। लेकिन सुखदेव गोस्वामी क्या किया, आपको खदेड़ दिया, वहां से भगा दिया, बोले कथा नहीं सुन सकते हो, ये स्वर्ग का अमृत का विनिमय में कथा सुनना चाहते हो। वो उदाहरण देते हैं को काच को मनीर महान। अगर कोई काच की टुकड़े लाए बोले लो तुम्हारे पास में मणि दे दो, मणि दे दोगे? कहती ये भागवत कथा नहीं, ये स्वयं कृष्ण चंद्र, ये स्वयं बांके बिहारी। और ये जो अमृत स्वर्ग का अमृत पीने से क्या अमर, केवल नाम ही अमर है। स्वर्ग का अमृत जितना पियोगे ना उम्र घटते 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 आएगी, क्योंकि पुण्य करके स्वर्ग में गए हो। बोले कब तक स्वर्ग में रहोगे, जब तक तुम्हारी पुण्य खत्म नहीं हो जाए। इसलिए स्वर्ग अमृत पीने से पुण्य घटेगी, बढ़ेगी नहीं, लेकिन कथा अमृत से तुम्हारी पुण्य बढ़ेगी, घटेगी नहीं, पुण्य तुम्हारी बढ़ेगी। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी ये 33 करोड़ देवता को भगा दिए, बोले भाग जाओ यहाँ से, कथा नहीं सुन सकते हो। देखो ध्यान देकर सुनो, क्यों ये प्रयाग में स्नान करने से, गंगा सागर से स्नान करने से ज्यादा महत्व कथा की क्यों, ये चीज को समझो। आपको पता है ये इलाहाबाद में ये कुंभ मेला क्यों होता है, आपको पता है क्यों कुंभ मेला होता है? बोले जिस समय श्री गरुड़ जी स्वर्ग से अमृत को ला रहे थे, उन्होंने 4 जगह पर ये अमृत को रखा, एक नासिक, एक प्रयाग, एक इलाहाबाद और एक वृंदावन में कदम वृक्ष को ऊपर में। और जिस वृक्ष को ऊपर रखे ना, अभी वो 4 वृक्ष जिंदा है, मरे नहीं सकते जुग से, इसीलिए वहां की इतना महत्व है। चूंकि वो अमृत कलश को केवल वो वहीं पर रख दिया था, केवल अमृत कलश को रखने पर 12 सालों के बाद में एक बार ये कुंभ मेला आता है। कितना साल बाद में, 12 सालों बाद में। अभी जो लोग प्रयाग गए ना, वहां से फोन आया था, कुछ लोग गए, बोले महाराज जी इतने भीड़ यहाँ, इतने भीड़, सरी सभी फेंको ना तभी नीचे नहीं गिरेगा, क्या धक्का मुक्की, वहां पर रहने का कहीं हमें घर ही नहीं मिल रहा है, हम दुनिया ढूंढ रहे हैं एक रात कहीं जगह मिल जाए, वहां पर कोई जगह नहीं, इतने धक्का मुक्की। 5-6 घंटा बाद में धक्का मुक्की में जाकर गोता लगा, फिर वापस निकल गया, और इतना ठंडा है, इतने ठंडा है। बोले भैया किस लिए वहां पर गए हो, क्योंकि ये अमृत कलश को केवल वहां पर रख दिया था तब भी उसका इतना महत्व। लेकिन जिस समय सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे थे, सारे देवता, नर नहीं देवता, पूरा के पूरा ये अमृत कलश बोले ले लो, पूरा ये कलश ले लो, केवल वहां छुला दिया तो इतना महिमा, रख दिया तो बोले पूरा के पूरा कलश ले लो, लेकिन इसकी विनिमय में हमें थोड़ी सी कथा सुना। सुखदेव गोस्वामी कथा नहीं सुनाई, भगा दिया वहां से, बोले कथा नहीं सुन सकते। इसका मतलब है जो कथा सुनते हैं ना वो देवताओं से भी ज्यादा पुण्यात्मा, वो प्रयाग में स्नान करने से भी ज्यादा तुम पुण्यात्मा, जो भागवत कथा सुन करके कथा सुन रहे हो इससे भी ज्यादा पुण्य है जो भागवत कथा सुन रहे हो, समझ रहे कि नहीं? इसलिए आप लोग उन लोगों से ज्यादा भाग्यवान हो।
श्रीमद् भागवत कथा अमृत की जय। कोई जयकार नहीं गा, आज तो कोई व्रत नहीं है, कोई व्रत रखे उनका, कोई व्रत नहीं, व्रत नहीं रखे ना, आवाज क्यों नहीं निकल रहा है, जोर से बोलो श्रीमद् भागवत कथा अमृत की जय। हाँ, अब लग रहा है कुछ हो रहा है यहाँ पर, इसलिए कहते श्री बोले अभी तो घर में बेटा ही नहीं आया, तो उन्होंने भगवान श्री कपिल देव भगवान जन्म ग्रहण करते हैं, बोले श्री कपिल भगवान की जय। देखो आप लोगों के घर में बेटियों को शादी देते हैं ना, देखना एक बेटी को शादी दो ना, घर खाली हो जाता है, घर खाली हो जाता है। और जिनको नौ नौ बेटी शादी देना कितना कठिन होगा, लेकिन यहाँ पर कहते हैं करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। अगर कोई सचमुच से हृदय से प्रभु की भक्ति करना चाहते है ना, ठाकुर जी सब कुछ कर देते हैं। अभी नौ नौ बेटी, एक दिन ब्रह्मा जी अपना नौ बेटों को लेकर के आए कर्दम से मिलने के लिए, इनकी नौ बेटे और उनकी नौ बेटी, देखा भैया जोड़ी तो बड़ी प्यारी है, शुभम शीघ्रम, शुभ कार्य को जल्दी शीघ्र कर खत्म कर देनी चाहिए। उन्होंने एक साथ में नौ बेटियों को शादी करा दिया। क्यों? श्री कर्दम ऋषि चाहते हैं मैं प्रभु का भजन करने के लिए जाऊं, जब तक बेटियों की शादी नहीं करी तब तक पिता की दायित्व तो नहीं जाता है, सबसे पहले बेटियों को शादी करना हमारी कर्तव्य है। फिर पूरा घर खाली हो गई, अभी घर में तीन व्यक्ति, पति पत्नी और बेटा, लेकिन पिताजी बोले तब तक रहूंगा जब तक घर में संतान नहीं हो जाए, अभी भजन करने के लिए जा रहे हैं कर्दम ऋषि। यहाँ प्रश्न है, बोले भैया तेरे घर में तो भगवान बैठे हो, भजन के लिए किसको करिए, भजन किसको करने जा रहे हैं, घर में तो तेरे प्रभु बैठे खोए खुद है, तो भगवान को घर में छोड़कर वन में क्यों जा रहे हो। यहाँ शिक्षा देते हैं जब तक हम साधन नहीं करेंगे भगवान रहने पर भी हमारा इतना लाभ नहीं होगा, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है भगवान नहीं, हमारा जीवन का लक्ष्य भगवान का प्रेम। अगर प्रेम हृदय में आ गया ना, ठाकुर जी को पास में जाने का जरूरत नहीं, ठाकुर स्वयं आएंगे। इसलिए ध्रुव महाराज जब भजन किए, भजन ही ध्रुव महाराज किए, लेकिन ध्रुव ने नारायण को पास में नहीं गए, नारायण ध्रुव जी को पास में आए। गोपियां कृष्ण को पास में नहीं जाते थे, कृष्ण गोपियों को पास में आते थे। बोले क्यों? बोले भगवान की प्रेम में दो लक्षण है, दो लक्षण क्या है, बोले कृष्णा कृष्णा कर्षणी, जैसे कमल का फूल खिलने पर जैसे मधुमक्खी आकर के अपने आप बढ़ जाते हैं, उसी तरह अगर हृदय में प्रभु की प्रेम प्रकट होगा ना, कृष्ण रूपी मधुमक्खी स्वयं भक्तों के पास में आते हैं, भक्त भगवान के पास में नहीं जाता है, भक्त भजन करता है, ठीक है ना। इसलिए क्या करना, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, इसलिए श्री कर्दम ऋषि भजन करने के लिए चले गए। अभी घर में दो व्यक्ति है, कौन है, माँ और बेटा। देखो आज ये कथा सुनने का बड़ा महत्व है, क्योंकि आज ये मकर संक्रांति आज है, बोले आज का दिन ही भगवान कपिल देव अपना माँ को ये ज्ञान सुनाया था, इसलिए आज का दिन ये कथा सुनने का सबसे बड़ा महत्व है। और आज का दिन साल में एक बार श्री ठाकुर जी की, कपिल मुनि की एक बार दर्शन साल में मिलता है, इसलिए ध्यान देकर सुना। ठाकुर जी आप अपना माँ को क्या बता रहे हैं, एक दिन माता जी अपना बेटे को पास में आए, बोले बेटा मैं तो स्त्री हूँ, स्त्रियों का मन बड़ा चंचल है, कभी बेटे को पास में, कभी पीहर में, कभी ससुर घर में, कभी बेटी में, कभी पति में, कभी दुकान में, कभी मकान में, संसार का ज्यादा चिंता किसको है, वो पति तो केवल पैसा कमा करके दे देता है, उसको और कोई चिंता नहीं, घर का सारे घर गृहस्थ किसने चलाता है, किसने चलाती है, माताएं चलाती हैं सारी घर गृहस्थी। अगर जैसे बच्चे हैं तुम्हारी चार पांच बच्चे, अगर पति अगर चले गए ना इस कारण से, देखना वो माता जी घर को संभाल, बच्चों को संभाल लेती है, लेकिन पिता पति है पैसा कमाते हैं, बच्चे घर में छोटे छोटे हैं, अगर माँ शरीर छोड़ दिया ना, फिर पिताजी से संसार नहीं संभालता, वो बच्चों को पाल नहीं सकती है, लेकिन स्त्रियां हो ना वो सारे बच्चों को पाल लेती है।
इसलिए घर का लक्ष्मी कौन है, गृह लक्ष्मी कौन है, माताएं घर की लक्ष्मी ये माताएं। इसलिए बोले बेटा मेरा मन तो बड़ा चंचल, इधर उधर भटकता है मन, इसलिए अभी ये मन को मैं प्रभु की भजन में कैसे लगाऊं। तब भगवान जी अपना माँ को उपलक्ष्य करके ये जगत में सारे जीव को ठाकुर जी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बात बताए। बोले माँ ये जो मन है यही मैन है, हमारी 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रिया और 5 ज्ञान इंद्रिया, लेकिन इनके राजा कौन है। बोले मन, अगर मन बोलेगा चलो भागवत कथा हो रही है, चलो भागवत कथा सुन करके आते हो, देखना सबके सब इंद्रिया आकर के बैठ करके कथा सुनेंगे। अगर मन बोलेगा अरे कथा सुनकर क्या होगा, चलो ना सब देखा, कुछ माताएं आग जला कर चार तरफ बैठी हुई, सारा दुनिया की चुगली, उसकी छोरी ने ऐसे किया, उसको छोरा ने ऐसे किया, वो उसका बहू, सब बैठ करके मैं देखा सब बात कर बैठ कर गप्पे मार रहे हैं, कोई टीवी को सामने बैठ कर टीवी देख रही है, लेकिन मन ने कहा बेटा चलो भागवत कथा हो रही है, कथा सुन करके आते हैं, कम से कम कुछ ना कुछ ज्ञान की बात तो मिलेगी। पर जितनी इंद्रियां किया कि सब छोड़ करके कथा में बैठ गए, कथा में बैठ गए। इसलिए हमारे गुरुजी के गुरुजी कहते थे बोले देखो सबरे अपना जुती लो और जुती लेकर को ये मन को 100 बार पीटो, ये सब को 100 बार पिटाई करो, क्यों ये मन जितने दुष्ट है, ये मन बड़ा दुष्ट है। इसलिए मीरा कहती है राधे तेरी चरण की ब्रज धूल जो मिल जाए, बोले ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं। इसलिए भगवान कहते माँ यही मन ही मुक्ति के कारण, यही मन ही बंधन का कारण। अब लोग घर में ताला होता है ना, ताला होता क्या, तो चाबी ताला बंद करके घर आए कि नहीं, देखना एक ताला की एक ही चाबी है, जब आप उसको उल्टा घुमा दो ना ताला बंद हो जाएगी, लेकिन चाबी को जब सीधा घुमा दो क्या होगा, ताला खुल जाती है। ये मन एक ही है, ये एक ही मन को जब घुमा दोगे उल्टा घुमा दोगे ना, ये विषय में लगाओगे, ये मन बंधन का कारण बनेगा, लेकिन यही मन को जब ठाकुर जी के चरण में लगा दोगे मुक्ति के कारण बन जाएगा। इसलिए माँ ये मन को तुम भगवान की भजन में लगाओ। फिर मैया प्रश्न करती है बोले बेटा तू तो बोल दिया ये मन को भजन में लगाओ, लेकिन ये मन तो बड़ा चंचल है, ये मन को लगाओ कैसे। तब भगवान कहते हैं संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। इसलिए संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, कबीर जी कहते हैं केवल संतों के संग में लग जाओ अच्छी हो जाएगी। इसलिए भगवान साधु संग की महिमा ठाकुर जी बताते हैं, हाँ ध्यान देकर सुनो। बोले एक समय एक बहेलिया ने एक घोंसले से 2 तोते को पकड़ा और एक तोता किसी तरह से किसी डाकू को, डाकू ने खरीदी कर लिया और एक तोता एक साधु ने खरीदी कर लिया। एक राजा जंगल में वो शिकार खेलने के लिए गया था, वो पानी ढूंढ रहा था, ढूंढते ढूंढते देखा एक घर है, वहां पर गया तो वहां चोर रहते थे, सामने एक तोता था। जब वह पानी पीने के लिए गए तोता बोलने लग गया पकड़ो पकड़ो मारो मारो पिटो पिटो छीनो छीनो। राजा ने कहा भैया तोता इसे गाली क्यों दे रहा है, वो समझ गए ये घर में कोई दुष्ट लोग रहते हैं, दिन भर यही करते हैं, इसलिए उससे देख देख करके तोता भी सीख गया भैया मारो मारो पिटो पिटो छीनो छीनो। वो प्यास अब तो प्यास पानी क्या पिएगा, भागे वहां से, भागते हुए और एक जगह पर गए, देखा घर के सामने और भी एक तोता बैठा हुआ, वहां जाते ही बोले हरे कृष्णा राधे राधे राम राम आपका स्वागत है, आइए बैठिए ठंडा ठंडा पानी पीजिए, स्वागतम आपको। राजा बोले भैया इतने प्यारी तोता, कहते आओ बैठो ठंडा पानी पियो कथा सुना राम राम राधे राधे। सचमुच से वहां पर गए तो देखा कि साधु घर से निकला, वो साधु तोते से भी ज्यादा मधुर है, उनको बैठाया पानी पिलाया सत्संग सुनाया, मन में बड़ी शांति मिली। तब ये दोनों तोते को पूछे भैया
तुम तो एक घोंसले से तुम दोनों पकड़े गए हो, फिर तुम्हारी इतने स्वभाव कैसे बिगड़ा हुआ, एक सुधरा हुआ कैसे? तोता कहते इसमें हमारी कोई दोष नहीं है, दोष संगत की। आप देखना जैसे संगत में बैठोगे ना वैसे बन जाओगे। अगर शराबी को साथ में बैठोगे क्या होगा? अरे घर पी लो। बोले नहीं हमारे घर में कोई पीते नहीं, हम नहीं पिए। बोले थोड़ी रोज पीते हो, कभी कभी थोड़ा थोड़ा पी ले तो थोड़ा सा पी लो बिना पैसा में, स्वयं टीवी खोल करके पिला देगा। एक दिन पिला दिया, दो दिन, तीन दिन, बोले अपना पकड़ से फिर पैसा निकाल, नहीं तो चोरी बदमाशी करो पैसा छीन कर। जो गजड़ी भंगड़ी को पास में बैठेगा फिर देखना वो भी, अरे रोज थोड़ी पी तो एक बार पी लो बस, उसको धीरे 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 पिलाना सिखा देता है। जो साधु को साथ में बैठोगे, साधु लोग क्या करेंगे? बोले भैया गंदी चीज से दूर रहो, भगवान के नाम जप करो, तिलक लगाओ, कंठी पहनो, ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, ठाकुर जी बारम्बार ये मानव शरीर नहीं देते, अगर ये एक बार ये मानव शरीर अगर नष्ट हो गया फिर तुम्हें ये मानव शरीर नहीं मिलेगा। भैया ये जीवन पा करके ठाकुर का भजन करो, भक्ति करो, फिर क्या बन जाएंगे? हम संत बन जाएंगे। इसलिए बोले संतन के संग लागी रे तेरी, अच्छी बनेगी अच्छी बिगड़ी तेरी, बिगड़ी बन बिगड़ी, हाँ बिगड़ी नष्ट हो जाएगा, किस्मत जगेगी तुम्हारी। इसलिए भगवान कहते माँ संतों की संग करो। उन्होंने एक श्लोक में संत संग की महिमा बताए, बोले सतांग प्रसंगात मम वीर संविदो भवंती हित कर्ण रसायन कथा ताजो सन आसु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमी सती। बोले माँ संतों का संग में अगर बैठोगे ना, उनकी प्रसंग से बोले भगवान की कथा सुनोगे। जो कथा है ना माँ बड़ा बलवान कथा है, अगर कथा सुनोगे तो धीरे 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 तुम्हारी ठाकुर के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। कोई श्रद्धा बढ़ते बढ़ते फिर रति, फिर यही रति फिर भगवान की प्रेम, फिर भगवत दर्शन तुम्हें दिला देगी। इसलिए माँ संतन की संग करो, इसलिए माँ सत्संग करोगे ना आप वर्ग वर्तमनी, जो प वर्ग तुम्हारी खत्म हो जाएगी। बोले प वर्ग मतलब बोले प भ ब भ और म, कितना आप लोग पढ़े कि नहीं स्कूल में, कचड़ थप खचड़ थप गजड़ धप, उसमें बताए ना प वर्ग में प भ ब भ म, ये प वर्ग। बोले ये प वर्ग तुम्हारी समाप्त हो जाएगी। प में परिश्रम, फ में फेंट, ब में व्यर्थता, भ में भय और म में मृत्यु। भगवान कहते माँ अगर ये सत्संग सुनोगे ना, तुम जो संसार में परिश्रम करते हो हैं, देखना एक भक्त भी परिश्रम करता है, दिन भर पैसा कमा करके लाता है, मार्केटिंग करता है, रसोई बनाती है, घर साफ करती है, घर का सारे काम काज करती है, सारे घर का काम काज करती है। लेकिन जो भक्त नहीं वो अभक्त, वो भी दिन भर यही करती है, लेकिन दोनों को देखने के लिए तो बराबर लगता है। ये भी पैसा कमाता है, वो भी पैसा कमाता है, ये भी रसोई बनाती है, वो भी रसोई, ध्यान देकर सुन पाता है, ये काम की बात सुनो। भगवान कह रहे हैं बोले एक व्यक्ति तो घोर बंधन को प्राप्त करता है, सीधा कर्म करके नर्क जाता है, लेकिन वही काम करके एक भक्त सीधा गोलोक वृंदावन में जाता है। इतनी सी बात समझ करके जाओ, अगर इतनी सी बात समझ गए ना समझो आज तुम्हारी जीवन सुधर जाएगी, नहीं तो जीवन कभी सुधरेगी नहीं। फिर तो 84 लाख जन्म में पेड़ पौधा गधे कुत्ते सुअर होकर भटकते रहो। ये चीज को समझो, ठाकुर समझा रहे हैं। ये साधु संग से क्या होता है? हाँ कहते एक भक्त भी क्या करता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो जो करता है क्यों करता है? वो नौकरी करके पैसा कमाता है, बोले क्यों? उसकी जो भावना है हम ठाकुर जी की सेवा के लिए पैसा कमाता हूँ। एक भक्त भी रसोई बनाती है, बोले क्यों रसोई बनाती है? बोले ठाकुर को भोग लगे, ठाकुर जी को भोग लगे। एक भक्त भी घर को साफ करती है, बोले कहाँ साफ कर रहे हो? बोले भगवान के मंदिर को साफ करती है। एक भक्त भी श्रृंगार करता है, बोले क्यों? बोले ये गंदी शरीर से ठाकुर को सेवा कैसे करेंगे, शरीर पवित्र होगा तभी तो ठाकुर को सेवा करेंगे। एक भक्त भी बच्चों को पालती है, बोले क्यों? बोले ये बच्चे बड़े बन करके भगवान की भजन करेगा, भक्ति करेगा, इसलिए हम बच्चे को पाल रही है।
लेकिन एक साधारण व्यक्ति जिनका साधु संग नहीं हुआ वो भी पैसा कमाता है, बोले क्यों? बोले पैसा होगा तब तो हम खाएंगे, बीबी खाएगा, बच्चे खाएंगे, बस जीरो हो गया, वो बेकार तुम्हारी। बोले रसोई क्यों बना? तो बोले बच्चे को खिलाएंगे, पति को खिलाएगी, अरे मैं खाऊंगी, जीरो, सीधा नरक जाओगे। बोले घर क्यों साफ करती है? बोले घर अपना घर है, वो सीधा नरक है। हैं? बच्चे को क्यों पालते? बोले मेरे बच्चे, मैंने जन्म दिया, बड़े होकर के मेरी सेवा करेगा। बोले जीरो तुम्हारी, बेकार। इसलिए भगवान कहते माँ सब कुछ करो लेकिन ठाकुर जी की सेवा मान करके सारे काम को करो। ठाकुर जी की सेवा मान करके भगवान को अगर बीच में रख करके अगर ये सारे काम करोगे ना, ये सब के सब भगवान की भक्ति बन जाएगी, भगवान की प्रेम बन जाएगी। अगर तो भगवान को छोड़ करके करोगे ना पूरा जीरो, और ये कर्म फल का चक्कर में ये 14 ब्रह्मांड और 84 लक्ष्य जो नहीं भटक रहे। हम क्यों संसार में भटक रहे हैं बताओ? इसी जीवन का हमने जो कर्म किया है ये कर्म फल लेकर तुम्हें दूसरे जीवन में जाना पड़ेगा। दूसरे जीवन में जो कर्म किया फिर तीसरी जीवन में जाना पड़ेगा, तीसरी जीवन में जो किया चौथे जीवन में जाना पड़ेगा, तभी तो हम ये 84 लक्ष्य जन्म में भटक रहे हैं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, भगवान कहते हैं, बोले माँ अगर तुम भगवान को निमित्त बनाकर कोई कर्म करोगे ना, वो कर्म बंधन नहीं। कहते मुक्त संग समाचरित, ये संसार बंधन से तुम माँ मुक्त हो जाओगे। इसलिए सब कुछ करो लेकिन ये भगवान को बीच में रख करके करो, तभी सब कुछ सार्थकता, सब तुम्हारी सार्थकता है। क्यों? ठाकुर को निमित्त बना कर कर रहे हो, ठीक है ना? एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग एक बार बोलो, मैं सुनूंगा, जोर से बोलो, झगड़ा करते हो। इसलिए माँ जितने परिश्रम तुम्हारी सार्थकता हो जाएगी। इसलिए भा मतलब होता है भय, तुम्हारी कोई भय नहीं रहेगी। माँ मतलब होता है मृत्यु, तुम ये जन्म मृत्यु का चक्कर से चिरकाल के लिए मुक्त होकर ठाकुर को पास में जाओगे। फिर मैया प्रश्न करती है, बोले बेटा तुमने बताए संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी? बोले हाँ। बोले भैया विशेष करके कलयुग में संतों को समझना भी बड़ा कठिन है, संतों को कलयुग में समझना भी बड़ा कठिन है, उनका लक्षण भी बता दो। फिर भगवान संतों के लक्षण कहते ही, बोले तितिक सब कारुणिक सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रव शांता साधु भी साधु भूषण। भगवान बोले माँ संतों का पहला लक्षण है, बोले तितिक सब मतलब सहन शक्ति, इनकी पहला गुण सहन शक्ति है। आप देखना संसार में हो नहीं तो साधु जीवन में हो, कहते ना जो सहे सो रहे और जो नाश सहे वो नाश हो जाए। इसलिए सहन करना सीखो हर समय। अगर बात बात में चिड़चिड़ी स्वभाव हो, बात बात में लड़ाई झगड़ा करना हो, घर में शांति सुख रहेगा? घर में रहेगा दिन भर अगर पति पत्नी बच्चे में लड़ाई दिन भर है, कहीं शांति नहीं मिलेगी। इसलिए किसी जीवन में भी हो आपको सहन करनी चाहिए। देखो एक संत थे, वो संत कभी उनकी क्रोध नहीं आता था। गांव के कुछ लोग मिल गए, बोले ये बाबा को कभी भी क्रोध नहीं आता, आज उनको क्रोध जरूर दिलाना। वो रोज गंगा में नहान कर आते थे। इन लोगों ने क्या किया, एक टोकरी में कचरा लेकर के खड़े रहे। बोले बाबा आएंगे ना सीधा सर पर डाल देंगे, वो सीधा सर पर डाल देंगे। वो बाबा कुछ भी नहीं बोले, फिर गंगा में गए नहाए, दो बार आए, दो बार भी उन्होंने 100 बार उनके सर के ऊपर में कचड़े को डाले, लेकिन बाबा कुछ भी नहीं बोले। 100 बार उन्होंने गंगा में नहाया, लास्ट में ना ये लोग उनके चरण में गिर पड़े, बोले बाबा हम तो चाह रहे थे आपको क्रोध दिलाने के लिए, लेकिन आपको क्रोध नहीं आया, आपकी चरण में हमने अपराध पाप किया है। देखो संत क्या कहते हैं, बोले भैया तुम लोग जैसे मेरे मित्र कोई होगा नहीं। बोले कैसे? बोले रोज में एक बार गंगा में स्नान करता था,
लेकिन तुम्हारी वजह से आज मैंने 100 बार गन्ना खा लिया, इसलिए तुम लोग मेरे बड़े मित्र हो। इसलिए भगवान कहते माँ भक्ति करने के लिए सहन शक्ति की बड़ी जरूरत है, इसलिए आप लोग भी सहन शक्ति करना सीखो। सहन शक्ति, बात बात में लड़ना नहीं, बात बात में झगड़ाना नहीं, हैं? फिर संसार में शांति सुख रहेगी। इसलिए तितिक शब्द कारुणी को बड़े दयालु होते हैं, अजात शत्रु जिनका कभी शत्रु जन्म ही नहीं हुए हैं, सबको वसुधैव कुटुंबकम, विश्व ब्रह्मांड को सोचते हैं, हम एक ही पिता की ही सबके सब संतान। इसलिए अगर किसी की भलाई नहीं कर सकते हो ना, कभी भी किसी की बुराई मत करो, ये चीज को अच्छे तरह से सीखो। अगर हम किसी की भलाई नहीं कर सकते हैं, जानबूझकर किसी कभी बुराई मत किया करो, ठीक है ना, ये चीज को जरूर लेकर के जाना, क्योंकि जिसका बुराई करेंगे फिर क्या होगा, वो जितने सारे पाप है तुमको भोगना पड़ेगा जिसको तुमने बुराई करोगे। इसलिए अगर इतने बड़े पत्थर फेंको ना, तुम्हारे लिए इतना बड़ा पत्थर बना हुआ है, ये चीज को अच्छे तरह से समझो। इसलिए किसको भलाई मत करो तो किसकी बुराई मत करो, और भगवान की भजन करते रहो, ठीक है। इसलिए उन्होंने संतों की बड़ी बड़ी लक्षण बताए, और एक लक्षण बताए, इसको ध्यान देकर सुनो। उनका कुछ लक्षण है बाहर का लक्षण, कुछ अंदर का लक्षण है। कहते ये जितने सारे गुण सब बाहर का गुण है, बोले अंदर का गुण क्या है, बोले मई अन्न भावेना भक्ति कुर्बंती जय दृढ़। इनकी एक विशेष गुण है, हाँ, भगवान की जो भक्ति है ना, अनन्य रूप में भक्ति करो। किस रूप में भक्ति करो, किस रूप में भक्ति करो, अनन्य, अनन्य रूप में। बोले अनन्य मतलब क्या है, बोले एकांत तो रूप में भक्ति करो, भक्ति बहुनिष्ठ भक्ति नहीं। देखो आप लोग बुरा मत मानो, आप लोग बुरा मत मानना, हम तो कोशिश कर रहे हैं समझाने के लिए। जैसे मीरा कहती है मेरे तो गिरिधर गोपाला दूसरा न कोई है ना। गोपियां जब उद्धव जी गोपियों को उपदेश दिए, बोले गोपियां भगवान को ध्यान करना, ठाकुर कहां नहीं, वो तो घटघट वासी है। लेकिन गोपियां क्या कहती है, बोले उद्धव मन ना भयो 10-20, एक मन सो गए श्याम संगे को आराध ईस। मन 10-20 नहीं, मन कितना होता है, मन एक ही मन है। ये एक मन तो कृष्ण को साथ में गया, जब कृष्ण ब्रज से गए उनको साथ में गया, ध्यान तो मन में होता है, लेकिन वो मन तो कृष्ण को साथ में गया, फिर ध्यान किसको करेंगे। हाँ मन एक ही है, लेकिन हमारी भक्ति कैसे, जैसे सोमवार होगा शंकर जी के पास बम 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 करते करते जाएंगे, शंकर जी के सर पर पानी डालेंगे, बोले हे भोले बाबा तन मन धन तेरे सर तेरे को दे दिया, तू मेरी प्राण को रक्षा करो, तो मेरी प्राण को रक्षा करो, तुम ही हमारा जीवन का सर्वस्व है। लेकिन जब मंगलवार आएंगे ना, शंकर जी का तरफ में देखेंगे नहीं, सीधा हनुमान जी को पास में जाएंगे, बोले हनुमान जी आप ही हमारे तन मन धन तेरे चरण, तू मेरे लाज को बचाओ, तू ही सब कुछ हो। लेकिन जब बुधवार आएगा सीधा गणेश जी के मंदिर में जाएंगे, हनुमान तरफ देखेंगे नहीं, सीधा गणेश जी को जो बोल रहे थे वही। बृहस्पतिवार आएगा लक्ष्मी मंदिर में जाएंगे, शुक्रवार आएगा और किसी देवता, शनिवार आएगा शनिचर के पास। भैया ये कौन सा भक्ति, अगर पत्नी बोले, अब बुरा मत समझो, पत्नी अगर पति को बोले देख पति तेरे को बुधवार को तेरे को मैं प्रेम करूंगी, लेकिन शुक्रवार में ना और किसको मैं प्रेम करूंगी, और शनिवार होगा तो और किसको प्रेम करूंगी, बताओ ये भक्ति है कि नहीं, ये पतिव्रता धर्म है कि नहीं। नहीं, पति एक होता है, एक को चरण में हमें मन प्राण देनी चाहिए। देखो दो व्यक्ति थे, दोनों में लड़ाई हो गई, एक मुसलमान एक हिंदू, हिंदू बोले भैया मेरा भगवान बड़े हैं, हमारी ठाकुर जी भगवान हमारी बड़े हैं। इतने में मुसलमान कहते भैया मेरा अल्लाह बड़ा है, बोले तेरे भगवान बड़ा ना मेरा भगवान बड़ा, प्रमाण कैसे होगा। बोले चलो हम एक पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं, अपना ठाकुर का नाम लेकर वहीं से कूदेंगे, जो बच जाएगा ना समझेंगे उसका ही ठाकुर बड़ा है। अभी एक पेड़ गोबर में चढ़े, जो मुसलमान था वो एक अल्लाह को मानता है, बोले हे अल्लाह तेरे नाम को लेकर के कूद रहा हूँ, इसलिए अगर तू सच्चा है ना प्राण को बचाना, वो गिरा तो बच गया। लेकिन जो हिंदू है ना, इसका मन तो डामाडोल सा बनता, इसका तो मन कहीं भी नहीं,
बोले भैया गणेश जी को क्यों, वही विघ्न विनाशन है। हे गणेश जी, सूर वाले ठाकुर जी, आपका नाम लेकर मैं कूद रहा हूँ, मेरे को प्राण बचाना। फिर सोच रहे हैं, बोले क्यों उसका मैया को क्यों नहीं बुलाई थोड़ी सी, हे देवी मैया हमारे प्राण को बचाना। इतने में गणेश जी आए थे रक्षा करने के लिए। जब फिर देवी मैया को बुलाया ना गणेश जी भागे, बोले ये तो मेरे को प्रति कोई विश्वास ही नहीं, मेरे को बुलाया आया तो और किसको। फिर बोले भैया भोले बाबा को थोड़े क्यों यार, सारा दुनिया को एक कर, कूदा ना हाथ पे ऐसे टूट गया। ये चीज को अच्छे तरह से समझो। इसलिए जो भक्ति, ये भगवान खुद कहते हैं, मई अनन्य भावे न भक्ति कुर्बन्ते जी दृढ़ाम। वो मेरे शुद्ध भक्त हैं जो अनन्य न अन्य और किसी को नहीं, केवल मेरे चरण में जो तन मन सब कुछ मेरे चरण में देते। जैसे हनुमत लाल जी, नाम सुने कि नहीं, वो किसके भक्त हैं, भगवान राम के कनिष्ठ भक्त श्री हनुमत लाल जी। गोपियां किसकी भक्त हैं, श्री कृष्ण की भक्त हैं। सूरदास जी कृष्ण के, मीराबाई कृष्ण के। इसलिए जो भक्ति है ना वो एक भगवान को होती है। इसलिए तीन, केवल हमारे तीन ही इष्ट हो सकते हैं, एक नारायण हो सकते हैं, एक राम हो सकते हैं और एक कृष्ण हो सकते हैं। अभी जिस जो संप्रदाय से जो मंत्र लिया, जो श्री संप्रदाय से मंत्र लिया उनका इष्ट लक्ष्मी नारायण, जो रामानदी संप्रदाय से लिए उनका इष्ट कौन, राम सीता, और जो ब्रह्म संप्रदाय जिससे हम लोग हैं हमारे इष्ट श्री जुगल किशोर श्री राधा कृष्ण हमारी इष्ट हैं। हम जहां से मंत्र लिए हैं वही, जहां से वही केवल एक इष्ट होते हैं, इष्ट ज्यादा नहीं होते हैं। लेकिन किसको असम्मान मत करो, किसी देवादेवी को असम्मान नहीं करनी चाहिए। रास्ता में शंकर जी आए, प्रणाम किया उनको, उनसे भक्ति मांगो। कई माता देवी की मंदिर आई, वो वैष्णव भी है, उनसे भक्ति मांगो। गणेश कौन है, सारे ग्रंथों को लिखे उन्होंने। व्यास देव जी बोले ये विघ्न विनाशक, वह प्रभु की भक्ति करने वाले, ये दूसरे देवा देवी से प्रणाम करके उनसे भक्ति मांगो, उनकी ठाकुर का प्रेम को प्रार्थना करो। इनकी कृपा से ठाकुर जी की प्रेम और भक्ति मिलती है। लेकिन जो इष्ट है ना, भगवान कहते हैं इष्ट एक हो, इष्ट बहु नहीं होनी चाहिए, तब तक उनका जो भक्ति एकांतिक भक्ति, उसी भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय 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 राधा रमण हरि गोविंद, जय जय हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि हरि
hari 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 bol Radhe Radhe. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Radhe Radhe. कैसे साड़ी पहनी, कितने बढ़िया साड़ी है, बस साड़ी जैसे कभी जिंदगी में देखते ही नहीं साड़ी। हरे कृष्णा, देखो भगवान कहते मैया मातृ गर्भ में बच्चे को जब 7 महीना हो जाए बच्चे को पूर्ण ज्ञान आ जाता है और वो बच्चा देखता है, बोले भैया कहाँ में नरक में फंस गया, बोले माँ पेट में आना नरक में आना बराबर है, क्यों वो टाटी पेशाब का एक थैली है, टाटी पेशाब की एक थैली है उसमें, इसलिए वो बच्चा को बड़ा कष्ट मिलता है, हजार हजार जन्म की बात उसको याद आता है, पूर्व पूर्व जन्म में हमने कैसे कैसे कर्म किया और कैसे कैसे कर्म करके मैंने ये कर्म फल भोग कर रहा हूँ, लेकिन सुख का समय में ये दुनिया साथ में थे लेकिन दुख का समय कोई भी साथ में नहीं, वो समझ जाता है ये संसार में कोई किसका ही नहीं, वो झूठा संसार मतलब का संसार है। भगवान को कहते प्रभु जी ये नरक से मेरे को जल्दी निकाल दो, ठाकुर जी बोलते क्या करोगे, बोले इस बार केवल मानव शरीर दोगे ना, कभी भी ये झूठा संसार में फंसूंगा नहीं, मैं कान पकड़ कर कसम खाता हूँ और तेरे उठते बैठते सोते तेरे नाम जप करूंगा, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। बोले प्रभु तेरे मैं भजन करूंगा, बोले भूलोगे नहीं, बोले प्रभु एकदम नहीं भूलूंगा, बोले अगर भूल जाओगे ना बीच बीच में मैं तेरे को सावधान वार्निंग दूंगा,
बोले क्या वार्निंग दोगे? बोले जब पहले एक बाल पक जाए ना, मेरे फर्स्ट वार्निंग। बाल पकना मतलब क्या? समय हो गया जाने का, यहाँ का समय तुम्हारी खत्म, ऊपर जाने का समय हो गया। अगर एक बाल पक गया ना, हम उसको उखाड़ देते हैं। बोले इतने जल्दी हमें बूढ़ा बूढ़ी बना रहे हो, अभी कुछ नहीं हुआ। अगर दो बाल पक गया उखाड़ देंगे, तीसरा अगर खिचड़ी बन गया फिर कलर कर देते हैं। बोले थोड़ी अभी बूढ़ा बूढ़ी हुए हैं, हमारा कुछ नहीं हुआ। भगवान कहते दूसरा वार्निंग दूंगा। बोले क्या दोगे? बोले आंखों में कमजोर हो जाएगा। फिर बढ़िया गगलेस, बढ़िया चश्मा लगा देते हैं और हीरो बनते हैं। बोले हमारा कुछ नहीं हुआ। भगवान कहते तीसरा वार्निंग दूंगा। बोले क्या दोगे? बोले एक एक दांत तोड़ना शुरू करूंगा। फिर पूरा दांत टूट जाए, फिर डेंटिस्ट के पास में जाकर बढ़िया दांत लगा देते हैं, फिर खिलखिला कर हंसते हैं। बोले हमारे कुछ भी नहीं हुआ। भगवान कहते फिर फोर्थ वार्निंग दूंगा। बोले क्या दोगे? बोले तीन प्यार, दो प्यार से तीन प्यार हो जाएगी। मतलब क्या? फिर हाथ प्यार, फिर काम नहीं करेगा, फिर डंडा पकड़ना पड़ेगा, तीन प्यार हो जाएगा। भगवान कहते हैं फिर तेरे को मैं फिफ्थ वार्निंग नहीं, फिर राम नाम सत्य है। ठीक है ना? ठाकुर जी हमें बीच बीच में वार्निंग देते हैं, जितने जल्दी पारो भगवान की भजन करो, भगवान की भक्ति करो। ध्यान देकर सुना, हम तो प्रभु की गर्भ से भक्ति करने के लिए आए। अगर किसको बोलो भैया एक माला करो, बोले समय का, हमारे पास में समय कहाँ। लेकिन इस सारे काम के लिए समय निकाल देते हैं। कोई सीरियल आएगा ना, तीन तीन घंटा बैठ करके देख लेंगे। शादी, कोई शादी की कोई निमंत्रण आए, 10-15 दिन पहले इंतजार करेंगे, कैसे सूट, कैसे बूट, मैचिंग की सब कुछ पहने करके जाने के लिए तैयारी बैठेंगे। आप देखना सारे काम के लिए तो समय निकालते हैं, लेकिन जिस काम के लिए ठाकुर जी हमें मानव शरीर दिया, उसी के लिए हम कोई समय नहीं निकालते, उसके लिए कोई समय हम नहीं निकालते। कहते नहीं भैया, सारे काम को पीछे रख दो, वो होता रहेगा। हर जीवन में यही करते करते तुम आए। कौन सा जीवन नहीं गया, तू खाया नहीं, सोया नहीं, बच्चे जन्म नहीं दिया और तुमने संसार घर गृहस्थ नहीं किया। मैंने देखा रास्ता में एक कुत्ता सोया हुआ था, उसको 6 बच्चे जन्म दिया है एक साथ में। देखना 2 महीना में बड़ा करके छोड़ देगा। जिंदगी में कितने बच्चे हमने दिया है? 2-3, 15-20 साल में एक बच्चे को बड़ा कराते हैं। लेकिन कुकुर कुत्ते के तो को 1 महीना में अनुहार कर छोड़ देगा। खाने के लिए कितने कष्ट करते हैं, पहले माइनर स्कूल, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर कोई डिग्री करेंगे, उसको बाद में किसी तरह से एक नौकरी ढूंढेंगे, 10-10 घंटा काम करेंगे, फिर जा करके हम अपना पेट को पालते हैं। बताओ ये कुत्ते सुअर ने कौन सा यूनिवर्सिटी गए, कौन सा कॉलेज गए, किसका नौकरी करे? खाना वो आसानी से इनके खाना मिल रही है, कोई काम नहीं करते हैं। सोने के लिए हमको बढ़िया बेड चाहिए, गर्मी का समय में एसी चाहिए, हैं ठंडा का समय में हीटर चाहिए, तब भी गोली खाने पर भी डल्लब गद्दी में नींद नहीं आती होगी। सुअर को देखो, कीचड़ के ऊपर में आराम से सो रहा है, नो टेंशन। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते खाना पीना सोना बच्चे जन्म देना, ये कोई बड़ी भारी काम तुमने नहीं कर दिए हैं, ये सब दूसरे जीवन में ये सब करते करते तुम आया। वो तो तुम्हारी हर जीवन के लिए रिजर्व है, इसको बाद में तुमको यही मिलेगा, वो कुछ नहीं मिलेगी तुम्हें। लेकिन ये जो मानव शरीर है, भगवान कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जई पर लोक सवारा। भगवान कहते हैं अयोध्या वासियों, ये मानव शरीर नहीं, 84 जन्म के बाद में ये साधन धाम, मतलब इसी जीवन में ही तुम प्रभु की भक्ति कर सकते हो, तुम साधन कर सकते हो। और किसी जीवन में राम राम कृष्ण कृष्ण नहीं बोल सकते हो, किसी जीवन में तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी, केवल इसी जीवन में ही मुक्ति मिलेगी। इसलिए क्या करो, समय रहते रहते भगवान की भजन कर लो, भगवान की भक्ति कर लो। सवेरे उठ करके करोड़ों काम को छोड़ करके, गुरु जी कहते थे 100 काम छोड़ करके खाना खाओ, 1000 काम छोड़ कर काम करो, और करोड़ों काम को पीछे रख करके भजन करो। बोले क्यों? ये भजन केवल, ये जीवन तुम्हें भजन के लिए ही मिला और किसी काम के लिए नहीं मिला। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। भजन के लिए आए थे लेकिन हम दूसरे काम में लग पड़े, जो काम आए थे उसको पीछे रख दिया। इसलिए यहाँ पर भगवान स्वयं कपिल देव कह रहे हैं बल मातृ गर्भ से इसीलिए जन्म लेता है ठाकुर को पास में कसम खा करके, प्रभु और ये झूठे संसार में मैं नहीं फंसूंगा,
जन्म लेकर के उठते बैठते सोते तेरे नाम जप करूंगा, तेरा भजन करूंगा। ठीक है ना? क्या करनी चाहिए? सवेरे उठ करके अपना भगवान की भजन करो, फिर दिन भर अपना घर गृहस्थी का काम करो। घर गृहस्थ नहीं, ठाकुर को सेवा मान करके सारे काम को ठाकुर को सेवा मान कर करो। ठीक है ना? फिर भगवान कहते माँ अगर ये जीव भजन नहीं करता है बड़ी दुख उठाना पड़ता है। आप देखना मरने का बाद हम 13 दिन बाद में शुद्धि होती है। 13 दिन बाद में शुद्ध होता है कि नहीं? कब कितना दिन लगता है, कितना दिन बाद में करते शुद्धि क्रिया जानते हो? 13 दिन बाद में। जो गरुड़ पुराण मरने के बाद सुनते हैं, सुने हो गरुड़ पुराण? उसमें क्या लिखा हुआ? बोले 13 दिन क्यों लगता है, ये चीज को अच्छे तरह से सुना। ये 13 दिन के बाद में हम शुद्धि क्यों होते हैं, ये ठाकुर जी कहते हैं। बोले माँ मरने के बाद जमदूत आ करके गले में काल फांस को लगा करके गर्म रतियों को ऊपर में घिसटते हुए ले जाते हैं। बीच बीच में कुत्ते सियार उसकी मांस को नोच नोच कर खाते हैं। फिर उसको एक बैतरणी नदी पार करना पड़ता है। ध्यान देकर सुना, एक बैतरणी नदी के तो नदी कैसे? बोले टाटी पेशाब और खून पी का नदी है। उस ऊपर में कोड़े मार मार करके उसको पार करवाना पड़ता है। इसलिए आप लोग सुने होंगे कोई कोई बोलते हैं ना बहुत ज्यादा कष्ट पा करके जो मरे, बोले भैया उसको नाम पर कोई गैया दान दे दो, जल्दी जल्दी गैया को पूछ पकड़ करके उसको मुक्ति मिल जाए, उसकी मुक्ति हो जाए। इसलिए उसको ये नदी पार करने के लिए 13 दिन लगती हैं। इसलिए हम लोग 13 दिन बाद में वो शुद्धि क्रिया करते हैं। फिर उसको बाद में फिर 84 नरक है, जो जैसे जैसे कर्म करता है उसको वैसे नरक में भोगना पड़ता है। जो मांस मछली खाए तो उसको जिंदा जिंदा कर्त में काटते हैं उसको, क्योंकि वो भी जानवर को ऐसे जिंदा जिंदा काटते हैं। जो इन्हीं आंखों में गंदी गंदी चीज को देखे उसको आंख निकाल देते हैं। जो तराज में हेर फेर करते हैं उसको हाथ काट देते हैं, हैं? और जो शराब पिए हैं लोहे को गर्म करके उसको मुंह में डालते हैं उसको ये सब कष्ट देते हैं। बोले भैया किसको ये कष्ट भोगना पड़ता है? देखो ध्यान देकर सुनो, जिसकी गले में तुलसी की कंठी नहीं हो, तिलक नहीं हो और जो प्रभु की भजन नहीं करते हैं ना, उनको ही ये नदी पार करना पड़ेगा। जरूर ये नदी पार करना पड़ेगा। लेकिन जिसकी गले में तुलसी की कंठी तिलक लगाए होंगे, प्रभु का भजन करते हैं, भगवान कहते माँ सोपच अपि महिपाल विष्णु भक्ति दिया देकर, ये चंडाल व्यक्ति क्यों नहीं हो? अगर वो प्रभु की भजन किया, भक्ति किया, गले में कंठी तिलक पहनी, बोले माँ वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। वो ब्राह्मण होकर के दूसरों को क्या उद्धार करेगा, खुद का भी उद्धार नहीं होता है। लेकिन जितने निकृष्ट कुल में जन्म क्यों नहीं हो, माँ जो प्रभु की भक्ति करते हैं उसको तो मुक्ति मिलता ही है और उसको 21 पीढ़ी भी ठाकुर जी उद्धार कर लेते हैं। इसलिए माँ ये जीवन पा करके भगवान की भजन करनी चाहिए, तभी ये जीवन की सार्थकता। भगवान अपना माँ को ये उपदेश दे करके फिर भगवान चले जाते हैं। जब चले जाकर कहाँ चले जाते हैं? गंगा सागर। गंगा सागर चले जाते हैं। आज का दिन गंगा सागर में ठाकुर जी गए और आज का दिन जो गंगा सागर में जाते हैं, साल में एक बार प्रभु जी का दर्शन, कपिल देव का साल में एक बार दर्शन मिलता है, वो आज का दिन है। बोले श्री कपिल भगवान की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। एक भजन सुनो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा Thank you.
ताली बजा कर इस भजन हरि नाम संकीर्तन कीर्तन को गाएंगे। देखिए सुबह से शाम तक किसी किसी ने कहा कि हम हर कार्य में व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं, कैसे भगवान का नाम ले। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ सुबह से शाम तक कैसे नाम लेंगे, काम करते भय और भगवान का नाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, कहता हूं। जैसे माए लोग जो है, मैया लोग सुबह उठती है और सुबह उठकर कैसे झाड़ू लगाते भय नाम करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा रामा हरे हरे। उसके बाद घरों के बाद आप बाथरूम में नहाने गए, नहाने के बाद स्नान करने के बाद तिलक कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे किचन में गए। किचन में भगवान के लिए भोजन बनाएंगे कैसे, जैसे कि आटा माड़ रहे हैं कैसे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा रामा हरे हरे। लेकिन क्या है आजकल किचन में भी बॉक्स लगा होता है लोगों के घर में,
लेकिन वो बॉक्स में क्या बजता है, फिल्म में गीत बजता है, भगवान का नाम नहीं बजता, तभी तो रोटी जल जाती है। लेकिन इस भगवान के नाम को गाते हुए रोटी बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, तो हर सब्जी अच्छी बनेगी। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अब हम रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाए, कुछ भी करो भगवान को भोग लगाकर ही प्रसाद बना। जैसे स्वामी प्रभुपाद जी ने कहा है चार बातें, क्या बोले, सबसे पहले तो चैंटिंग, उसके बाद डांसिंग, उसके बाद सिंगिंग, उसके बाद फिशिंग। यानी कि सबसे पहले उठकर चैंटिंग करना है, हरे कृष्ण महामंत्र ऑल द टाइम, हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग, उसके बाद डांसिंग, भगवान के कीर्तन को गाते हुए नृत्य करना ये, और तीसरा तीसरा बताया चैंटिंग डांसिंग डांसिंग और सिंगिंग, उसी नाम को गाना, गाते हुए नाचना, और लास्ट में क्या बताया फिस्टिंग, भगवान के सुंदर सुंदर भोजन बना, भगवान का भोग लगाओ और प्रसाद पाओ। ये प्रभुपाद जी ने कहा, स्वामी प्रभुपाद। सब प्रभुपाद को किस कौन कौन जानते हैं, स्वामी प्रभुपाद को जानते हैं ना, जो इस्कॉन मंदिर इस्कॉन टेम्पल बनाया, इनने कहा है। इसलिए तुलसीदास जी ने भी कहा है क्या, कि तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तो इसलिए भगवान को भोग जरूर लगाना, और कैसे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइविंग करते करते भी भगवान का नाम ले सकते हैं, कैसे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण महामंत्र चलते। तो आइए सभी लोग ताली बजा कर गाएंगे, कैसे, ऐसा लग रहा है आप लोग सो तो नहीं गए, पीछे कोई ताली नहीं बजा रहे, आगे कुछ लोग बजा रहे, यानी कि जगे हैं और पीछे सो गए, यानी कि निद्रा देवी आक्रमण कर रहा, कर रही है नहीं। देखो कुंभकर्ण को जब मार कर आए राम जी, तो निद्रा देवी बोली, अगर तुम्हारे गुदाम में ताला नहीं लगवा दिया तो मेरा नाम निद्रा देवी नहीं है। हाँ, निद्रा देवी ने कहा भगवान राम से, तो बोले क्या ताला लगवाओगे देवी, बोले देखो आपकी जहां पर कथा हो रही है
उस श्रोताओं के सर पे जाके मैं बैठ जाऊंगी। कैसे? बोले झोंका लेते रहेगा, नींद की झोंका तो कथा कहीं सुनेगा ही नहीं और वैकुंठ कोई नहीं जाएगा। ताला लगवा दिया कि नहीं? बोले उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, 10 मिनट आधा घंटा बाद मैं कीर्तन करा दिया करेंगे। इसलिए सब लोग ताली बजा कर कीर्तन करेंगे, नहीं तो फिर निद्रा देवी आक्रमण करेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा जब श्री सुखदेव गोस्वामी ये नरक की कथा वर्णन कर रहे थे
परीक्षित महाराज तो कांप उठे, बोले प्रभु ऐसे कोई काम है कि नहीं जो काम करने पर नरक ना जाना नहीं पड़े। बोले हाँ काम ऐसे है, जैसे कोई हमने पाप किया, शास्त्र में बताया अगर ये पाप किया ना इसका प्रायश्चित ये है, अगर ये काम किया इसका प्रायश्चित ये है, अगर प्रायश्चित कर लो फिर तुम्हें नरक जाना नहीं पड़ेगा। जब बताए बोले मेरे को तो ये पसंद नहीं आया। बोले क्यों? जैसे देखना जो बड़े बड़े बिजनेस करते हैं ना, जैसे घी में डालडा मिला देते हैं, तेल में उल्टा पुल्टा कोई चर्बी उल्टा पुल्टा मिला दे, दाल में कंकड़ मिला दे, लेकिन फिर क्या करते हैं आकर के अपना दान पुण्य कर देते हैं, नहीं तो गंगा सागर में नहाते हैं। बोले पाप तो छोड़ दिया, फिर आकर के दो बार फिर दूसरे दिन वही पाप। जैसे हाथी को एक तालाब में उतार करके नहा लो, ये बच्चे जो गुब्बारा खेल रहे हैं पीछे से बंद करवा। इसलिए जैसे एक हाथी को आप तालाब में उतार करके अच्छे तरह से स्नान करा, लेकिन हाथी का एक स्वभाव है वो पानी से उठते ही सबसे पहले वो धूल ढूंढेगा। अगर धूल नहीं मिलेगा ना, पैर में रोग करके धूल बनाएगा और सूर में धूल लगकर फर्र करके उड़ाए सारा शरीर लगाएगा फिर जाएगा। ये प्रायश्चित ठीक वैसे ही फिर पाप कर्म छोड़ करके अगर फिर दूसरा बार पाप करो। बोले ऐसे कोई उपाय है कि नहीं जो काम करे हृदय से पाप करने का वृत्ति चले जाए। हमारे उस तरफ में लोग एक एक महीना तक जाते हैं व्रत रखते हैं और एक एक महीना तक तीर्थ घूमते हैं, मांस नहीं खाएंगे, मछली नहीं पिएंगे, शराब नहीं पिएंगे, लेकिन उससे वापस आकर के ना बोले भैया इतना दिन से मांस मछली नहीं खाए, आज बढ़िया कर मुर्गा ला। कहते ना यहाँ पर नवदुर्गा की व्रत रखते हैं, देखना 9 दिन तक जो मुर्गा की दुकान पूरा बंद, 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा, जब दुर्गा व्रत हो जाए मुर्गा मुर्गा फिर है, 9 दिन तक दुर्गा बाद में फिर मुर्गा मुर्गा। इसलिए उनका प्रश्न है ऐसे कोई काम है कि नहीं जो काम करने पर हृदय से ही पाप करने का जो वृत्ति नष्ट हो जाए, ऐसे कोई काम है? तो उन्होंने बोले हाँ ऐसे भी एक काम है। बोले वो क्या बताओ ना? बोले के चीत के बलया भक्त्या वासुदेव परायणा अग्नौ धुन्नत कार्ष्णेना निहार इव भास्कर। उन्होंने उदाहरण दिया जैसे भगवान का नाम में इतने शक्ति है, जैसे सूरज उदय होने पर सारे अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। अगर प्रभु का नाम अगर किसी तरह से कोई करे उसका पाप करने का वृत्ति तक भी नष्ट हो जाएगी केवल ठाकुर का नाम से। तब उन्होंने एक कथा सुनाए, अजामिल का कथा सुनाई। बोले कन्याकुब्ज देश में एक अजामिल नाम का व्यक्ति रहता था, ब्राह्मण घर में जन्म, सारे सदाचार संपन्न, गुरुजन को सेवा करना, सबका आदर करना, सारे गुण उसके अंदर में था। एक दिन वो जंगल में कुछ फल फूल लेने गया था यज्ञ के लिए, उसने हठात एक शूद्र एक शूद्राणी को शराब पीते हुए देखे, दोनों के शरीर में कपड़े नहीं था, मिल गए थे। अभी उसने देखते ही तो देखते ही रह गया और उसको हृदय में फटो खींच गई। फिर जब वो घर में आया, देखो कितने सदाचार संपन्न वो व्यक्ति था, लेकिन ये गंदी चीज कितने बुरे प्रभाव डालती है, ये चीज को देखो कितने बुरे चीज को। उसने घर में आकर के अपना पत्नी बड़ी प्यारी बड़ी सुंदरी थी ब्राह्मणी, कम उम्र की अपने ब्राह्मणी को त्याग दी, वो जो सूत्राणी थी उसको साथ में रहना शुरू कर दिया और उसको हाथों में जितने तरह का अमेद्य कुमेद्य सब कुछ खाए और उससे 10 बच्चे हुए है? लेकिन किसी तरह से जो छोटा बेटा का नाम उसने नारायण रख लिया। अभी सबसे छोटा बेटा सबसे प्यारा होता है, बात बात में बोले बेटा नारायण इधर आ जा, बेटा नारायण तुम कहाँ हो, नारायण बेटा मेरे गोद में आ बेटा। अभी दिन रात नारायण नारायण नारायण, अभी उसकी अंतिम समय आया मरने का। हम जो पाप कर्म करते हैं काय मन और वाक्य से करते हैं, मरते समय 3 जमदूत लेने के लिए आए। अब उनका विकटाल भयंकर रूप देखा, देख करके डरते हुए अपना बेटे को बुलाया, बोले बेटा नारायण
ये ना रा या ना, ये चार यज्ञ है। एक तरफ में तीन जमदूत, दूसरे तरफ में चार विष्णुदूत, दोनों एक साथ में आए और इतने में दोनों में लड़ाई हुई। वो जो मरने जा रहा था ना, जब देखा विष्णुदूत तो आ गए, बोले माँ भैया भैया डरने का कोई बात नहीं, हम है ना। अभी विष्णुदूत जमदूत से प्रश्न करते, बोले भैया तुम लोग कौन हो? बोले हम धर्म राजा का दूत। बोले धर्म का नाम पर अधर्म करने आए हो? बोले क्यों? बोले इसको क्यों ले जा रहे हो? बोले आपको पता है ये कौन है? ये ब्राह्मण घर में जन्म लिया, ब्राह्मणी थी, अपना पत्नी को त्याग दी, एक शूद्राणी वैश्या को साथ में रहा और उसके हाथ का अमेद्य कुमेद्य खाया, सारे ब्राह्मण धर्म को त्याग दी, 10-10 बच्चे हुए, उनको पालन करने के लिए चोरी गुंडागिरी सब कुछ बुरा काम किया, सीधा नर्क जाएगा। बोले भैया कुछ पुण्य भी तो किया? बोले क्या किया? बोले अभी जो नारायण नाम लिया। बोले वाह, जिंदगी भर पाप कर्म करो और मरने से पहले एक बार नारायण बोल दिया, हो गया। देखो जमदूत विष्णुदूत क्या कहते हैं, अच्छे तरह से कथा को सुनो। बोले मूर्खों, तुम्हें पता है भगवान के नाम में कितने शक्ति, इसलिए हरि से बड़ा हरि का नाम है। उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे रुई का कोई ढेर हो, नहीं तो भूसा का कोई ढेर हो, आग की एक चिंगारी पड़ जाए ना, सब जला करके राख कर देता है, लेकिन भगवान के नाम में इतने शक्ति है, सक्रिय एव प्रपर्णा। इसलिए अगर एक बार किसी तरह से प्रभु का नाम निकल गया मुंह से, अशेष अगहर विदु, जन्म जन्मांतर का सारे पाप को नष्ट कर देता है, भगवान के नाम में इतने शक्ति है। देखो फिर जमदूत बोले, बोले भगवान को कब बुलाया? वो तो बेटे को बुला रहा था, भगवान को थोड़ी बुलाया। देखो विष्णुदूत क्या कहते हैं, बोले उसने जब एक बार बेटा का नाम नारायण रख लिया था, उसको सारे पाप नष्ट हो गया था, लेकिन उसने जो बारंबार बेटा नारायण नारायण बोला, जैसे हम माला जप करते हैं ना, उसको माला जपना हो गया, लेकिन जो अंतिम समय में जो ठाकुर का नाम लिया, ये भगवान की विशेष कृपा है, विशेष कृपा है। तो उन्होंने उदाहरण दिया है, भगवान का नाम चार तरह से कल्याण करता है। बोले कैसे? बोले सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलन नवेवा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरम विदु। पहला नंबर है सांकेत्य। सांकेत्यम का मतलब है जैसे किसी बेटा का नाम कृष्ण गोविंद नारायण रख लिया, उसको बारंबार आप बुलाते हो, बोले बेटा नारायण इधर आ जा, बेटा कान्हा इधर आ जा, लेकिन ठाकुर का नाम है, ये ठाकुर जी का नाम है, उसको ठाकुर जी का नाम पर धरवा दिया, इससे भी कल्याण हो जाए। इसलिए आप देखना पहले पहले लोग जितने सर बड़े बूढ़ों को पूछो नाम क्या है, कृष्णा गोविंद दामोदर राम, सब ऐसे होगा। जितने माताओं का नाम गीता सीता पार्वती, ये सब ऐसे होगा। लेकिन अभी बच्चों का नाम पूछो, टुल्लू बुल्लू टिंकी फिक्की ढिंकी, जितना विदेश में सब कुत्तों का नाम है ना, ये सब विदेश में कुत्तों का नाम है, और बच्चों का नाम कुत्तों का नाम पर धराते हैं। बोले बच्चा का नाम ठाकुर का नाम रखने पर नजर नहीं लग जाएगा? अरे ये सब कृष्ण गोविंद पुराना नाम था, अभी हम लोग बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, अभी अंग्रेजी नाम इनके रखेंगे। आप वृंदावन जाते हो? कौन कौन वृंदावन जाते हो? वहां पर देखना क्या अंग्रेजी मंदिर है, कभी वहां पर जाना, देखना छोटे छोटे बच्चे, उनको देखना क्या बोलते हैं। बच्चों का नाम पूछना, कौन सा नाम में नाम रखे, सब ठाकुर का नाम रखे। हम तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कहते हैं, तो नहीं, वो अंग्रेजी लोग होकर के हरे कृष्णा राधे राधे राम राम, वो कहा अंग्रेजी लोग होकर के हमारी संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं। अरे हम लोग भारतीय होकर के ना, ये अंग्रेजियों ने जो झूठन फेंक दिया ना खा करके, बस वो झूठन को पकड़ पकड़ खा रहे हैं। बोले बाप, हम तो सब अंग्रेजी सीख रहे हैं, सबके सब बच्चों को अंग्रेजी हम पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी नाम रखेंगे, ठाकुर का नाम हम नहीं धराएंगे। नहीं भैया, बच्चों का नाम ठाकुर जी का नाम धराओ, जितना बार तुम्हारी मुंह से ठाकुर का नाम निकलेगा उतना बार कल्याण। जिस घर में ठाकुर की नाम गूंजेगा वो घर का कल्याण, जो बच्चा ठाकुर का नाम सुनेगा उसका भी कल्याण, जो ठाकुर का नाम लेगा उसका कल्याण ही कल्याण होगा। ठीक है ना, बच्चों का नाम कुत्तों के नाम पर नहीं धरवाना,
और जिन लोगों ने कुत्ता का नाम पर धरवा टिक्की फिंकी आप मेरे पास में ले आना बच्चों को, उनका जो पहला नियम अक्षर निकला होगा, उनका जो पहला अक्षर, ध्यान देकर सुनो अच्छे तरह से, हमारी जो संस्कृति है ना वो संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, ये सब के सब साइंस ही है, ऐसे मत समझा करो, क्योंकि बच्चा का नाम कैसे धरवानी चाहिए, कैसे रखनी चाहिए, किसी ब्राह्मण को पास में दाओ, कौन सा समय में नक्षत्र में जन्म लिया, वो उसको देखते ही एक अक्षर निकालते ही, वो अक्षर को पहले रख करके कोई ठाकुर जी की नाम धरवाते, कोई ठाकुर का नाम धरवाते, ऐसे नहीं मनमानी इच्छा कोई बच्चे का नाम धरवा दिया। हाँ देखो अब तो हिंदू है, देखना शादी से पहले जन्मपत्र मिलाते, जन्मपत्र मिलाते कि नहीं, जन्मपत्र क्यों मिलाते हैं, उनका नक्षत्र को देखते हैं, इनकी जोड़ी बनेगी कि नहीं, इनकी जोड़ी बनेगी, सब नक्षत्र को देख करके शादी करवाते हैं। फिर क्या होता है, फिर दोनों पति पत्नी जिंदगी भर खुशी में रहते हैं, दोनों आनंद पूर्वक रहते, कहते ना ये मांगली है, इसका कोई ऐसे लड़का देखनी चाहिए, कहते ना सब चीज को, क्यों, इसलिए आप पहले पहले देखना कहीं डाइवोर्स नाम सुने हो, डाइवोर्स नाम सुनो, कभी नहीं सुने, लेकिन भारत में अभी 50% डाइवोर्स हो रहा है। बोले क्यों, हम अपना मन मर्जी हैं, शास्त्र ग्रंथ को छोड़ करके मन मर्जी हम लोग चलते हैं, इसलिए ये सब गड़बड़ी होता है, पहले ये सब गड़बड़ी नहीं होती थी। देखो कैसे, देखना जब कोई मशीन निकलता है, जो मशीन निकालता है वो एक मैनुअल बनाता है हर मशीन को साथ में, अगर मैनुअल को देते हैं, अगर मैनुअल को पढ़ करके अगर कोई मशीन को चलाए वो मशीन बढ़िया चलेगा, अगर बगैर मैनुअल के अगर मशीन को अपने आप चलाओ मशीन खराब हो जाएगी, इसलिए भगवान जब ये दुनिया बनाए उन्होंने कुछ मैनुअल भी बनाए हमारे लिए, क्या बनाए, गीता भागवत वेद पुराण भगवान ने बनाए, ये सब शास्त्र बनाए, बोले धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान धर्म को स्वयं भगवान बनाए, ये गीता रामायण भागवत को ठाकुर बनाए, अगर इसकी हिसाब से चलेंगे ना फिर तो संसार में हम शांति सुख में रहेंगे, अगर अपना मन मर्जी अगर हम चलेंगे संसार में फिर दुख कष्ट तो भोगना ही, हमें दुख कष्ट तो हमने भोगना ही, इसलिए हमारे वेद रामायण पुराण को लेकर के हमें चलेंगे, फिर इसी जीवन में सुखी और उसको बाद में तो सुखी सुखी, उसको जीवन में भी आनंद आनंद उसको जीवन में मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए अभी कहते भगवान का नाम चार तरह से कल्याण करता है, ये पीछे जो भैया बैठे हैं ना जो बच्चे गुब्बारा खेल रहे हैं इनसे छीन लो ये गुब्बारा को, बच्चे कौन भैया बैठे हैं, एक भैया को नियुक्त कर दो, ये बच्चे पीछे खेलेंगे, ये गुब्बारा उनसे छीन लो जिस बच्चे को पास में होगा, हरे कृष्णा। इसलिए बोले ठाकुर का नाम चार तरह से कल्याण करता है, एक सांकेत्यम इशारा करके, पारिहास्यम, पारिहास्यम का मतलब है अगर हंसी तिलक करते हुए ठाकुर का नाम निकल गया इसमें भी कल्याण है, हैं? और गीत गाते गाते, इसलिए कहते चार तरह का ठाकुर का नाम कल्याण करता है, किसी तरह से अगर निकल गया ठाकुर जी को, इतने में विष्णु दूतों ने जमदूत को मार मार कर खदेड़ दिया, अभी जमदूत बड़े लज्जित हुए और उनका अस्त्र शस्त्र को लेकर गए, जम महाराज को सामने अस्त्र शस्त्र फेंक दिया, बोले आज से आपका नौकरी हम नहीं करेंगे, बोले क्यों किया, आपका बात को कोई मानने वाले नहीं है, हम तो सोच रहे थे जगत का हर्ता करता विधाता आप ही हो, लेकिन आज से पता चला आपका आदेश कोई नहीं पालन करते, बोले भैया बात तो क्या बताओ, बोले एक बहुत बड़ा पापी था जिसका नाम था अजामिल, हम उसको लेने के लिए गए थे, बोले पता नहीं कहां से चार हाथों वाले आ गए और इतने सुंदर देखने में थे, अपूर्व सुंदर थे और इतने बुरी तरह से अपमान हमने किए, उन्हें मार मार कर हम भगा दिया, ये अपमान को हम सहन नहीं कर सकते, इसका प्रतिशोध लो नहीं तो अपना अस्त्र शस्त्र रखो जो लो। जब महाराज बोले भैया वो व्यक्ति मरते समय कुछ बोला था, बोले हाँ एक बार उसने नारायण नाम लिया और जब महाराज नारायण नाम सुनते ही वही पर तो मूर्छित हो गए, बोले नारायण मेरे प्रभु का नाम लिया, बोले आपका भी कोई प्रभु है क्या, आपका भी कोई प्रभु है, बोले हाँ हमारा प्रभु श्री भगवान स्वयं नारायण हमारे प्रभु है, हम तो उनका सेवक हूं, लेकिन हम तो पहले सोचते थे जगत का हर्ता कर्ता विधाता आप ही हो,
बोले मैं नहीं हूँ, मेरे प्रभु श्री नारायण हर्ता करता विधाता श्री नारायण ही। तो उन्होंने बोले देखो, जो व्यक्ति ठाकुर का नाम लेते हैं ना, उनको दूर से प्रणाम करना, दूर से उनको प्रणाम करना। तो उन्होंने बताए, ये बताओ आप, तो बताया जो भगवान की भक्ति करते हैं दूर से प्रणाम करो। बोले हाँ। बोले हमें पता कैसे चलेगा कौन भक्ति करता कि नहीं करता, उसका कुछ लक्षण बता दो। तब श्री जम महाराज उन्होंने एक पर्चा बना दिया। देखो एक पर्चा तुमको दे देता हूँ, ये पर्चा को देख करके भक्त और अभक्त पता चलेगा। बोले बता दो। बोले ललाटे तिलकम नास्ती कंठे नास्ती त्रिकंठिका हृदय नास्ती गोविंद सनर ब्रह्म राक्षस। बोले जैसे एक सधवा स्त्री है, हमें पता कैसे चलता है ये सधवा और विधवा? कुछ लक्षण है, जैसे मांग भरती है, सिंदूर लगाती है, शंखा पहनती है, मंगल सूत्र है, इससे पता चलता भैया ये सधवा है। और जो विधवा उनका कुछ लक्षण है कि तो उसी तरह जो व्यक्ति ठाकुर जी को भक्ति करते हैं उनके शरीर में भी कुछ लक्षण होता है। बोले क्या क्या लक्षण है? बोले ललाटे तिलकम, वो तिलक धारण करते हैं। ये तिलक का बड़ा महत्व है। आप लोग तो हिंदू देखना, जैसे कोई अच्छे बिजनेस के लिए कोई जाते हैं बढ़िया काम के लिए, हम क्या करते हैं तिलक लगा कर भेजते हैं, बेटा तुम्हारी काम बन जाए, तुम्हारी काम बन जाए। देखना घर में जो पुजारी पूजा कराने के लिए आता है, सबसे पहले तिलक लगाएगा, उसको बाद में फिर कोई शुभ काम करता है। इसलिए भगवान कृष्ण को देखो तिलक होगा, नारायण को देखो तिलक है, राम को देखो तिलक है, हनुमान जी को देखना तिलक है, गणेश जी को देखना तिलक। अब कोई भी 33 करोड़ देवता को देखो ना, वो जरूर तिलक लगाया होगा। ये तिलक का बड़ी महत्व है। इसलिए पुराण में बताया जो व्यक्ति तिलक धारण करते हैं उनका शरीर में गंगा जमुना सरस्वती लक्ष्मी पार्वती दुर्गा ये सब के सब उनके शरीर में निवास करते हैं। इसलिए तिलक धारण करने का बड़ी महत्व है, तिलक धारण करने का। देखो हमारे बीच में एक बाबा बाबा जी बैठे, बाबा खड़े हो जाओ तो थोड़ी, अब टोपी निकाल दो, टोपी निकाल दो, हाँ अब थोड़ी सबको तिलक दिखा दो, टोपी निकाल दो, हाँ देखो इनका तिलक देख लो सबके साथ। कहते जो तिलक दर्शन करते हैं, शास्त्र में बताया तिलक दर्शन करने पर ठाकुर का दर्शन करने का फल मिलता। ये जो तिलक लगाए ना, देखना नारायण भगवान की ठीक ऐसे तिलक है, भगवान नारायण का तिलक ऐसे है। इसलिए जो श्री संप्रदाय में संत ही देखना ये तिलक को उदाहरण करते हैं। अब हनुमान जी को तिलक देखना, भगवान राम जैसे तिलक हनुमान जी की ठीक वैसे तिलक हनुमान जी की। अब गणेश जी को देखना तिलक कैसे, देखना जैसे श्री रामचंद्र का तिलक गणेश का भी तिलक। इसलिए तिलक का बड़ी महत्व है। दूसरी चीज क्या है? बोले तुलसी की कंठी धारण करनी चाहिए, इसकी भी बड़ा महत्व है, इसकी बड़ी महत्व है। हैं? जब हमारे बड़े गुरुजी अमेरिका गए थे तो उन्होंने अमेरिका में प्रचार की, वो अंग्रेजियों को बोले, बोले भैया गले में तुलसी कंठी पहने, वो तो अंग्रेजी, बोले ये लकड़ी क्यों पहने हमारे पास में सोने चांदी पहनने के लिए, हम ये लकड़ी क्यों पहने के धारण क्यों करेंगे? तब श्री स्वामी महाराज जी ये तुलसी वृक्ष की महिमा बताए, हमारे वेदों से पुराण से उपनिषद से तुलसी वृक्ष की महिमा बताए। अमेरिका में जितने साइंटिस्ट थे उन लोगों ने रिसर्च किया ये वृक्ष को, बोले भैया ये हिंदू लोग ये पेड़ क्यों पूजा करते हैं? तुलसी की पूजा करते हैं ना, तुलसी की परिक्रमा करते हैं, तुलसी की प्रणाम करते हैं। बोले भैया ये हिंदू लोग एक तुलसी वृक्ष को ये पेड़ को क्यों पूजा करते हैं? उन्होंने रिसर्च करके देखा पृथ्वी में सबसे ज्यादा अगर कहीं मेडिसिन ये तुलसी वृक्ष में। आप मेडिसिन शॉप में जाना, एक दवा जिसका नाम तुलसी पावर, आप पूछना आपके पास में तुलसी पावर है, देखना कितना बड़ा बोतल मिलेगा उसको, पास में इतने बड़े आपको एक पेपर देगा, आप पेपर को पढ़ करके कल मेरे को बताना ये तुलसी वृक्ष में कितने शक्ति, ये तुलसी वृक्ष में कितने शक्ति, तुलसी वृक्ष में उसमें 200 बीमारी का नाम वो तुलसी वृक्ष में लिखा हुआ है। ऐसे कोई बीमारी नहीं जो बीमारी ये तुलसी वृक्ष में नहीं। इसलिए तुलसी साधारण वृक्ष नहीं, कर जो कैंसर जो बीमारी है आप देखना इसका कोई नो आंसर, कैंसर है ना, लेकिन जब सारे दवा फेल हो जाती है
ये तुलसी वृक्ष काम करती है, तुलसी वृक्ष काम करती है। इसलिए कि माता को कैंसर का बीमारी हो गई थी, लेकिन ये तुलसी वृक्ष उनकी कैंसर सही है। दो जो तुलसी पत्ता, अगर दो दो कोई तुलसी पत्ता रोज खाए, देखना कभी जिंदगी में उसको हार्ट अटैक कैंसर नहीं होगा। इतने ये तुलसी वृक्ष में शक्ति, ये तुलसी वृक्ष में इतने शक्ति। इसलिए तुलसी वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं। अब लोग तो हिंदू देखना, सालग्राम के साथ में तुलसी की शादी होती है। क्यों? जो सालग्राम है ये नारायण है और तुलसी कौन है? माँ लक्ष्मी है। इसलिए गले में अगर तुलसी कंठी हो, कहते उसको गले में सख्यात माँ लक्ष्मी की निवास उसकी गले में होती है। अब लोग तो हम कहते ना वृंदावन चलो, बोले क्यों? बोले बांके बिहारी। बोले वृंदावन में क्यों बांके बिहारी? बोले वृंदावन, वृंदा मतलब होता है तुलसी, वन मतलब जहाँ पर तुलसी की वन हो वहां पर वृंदावन है। इसलिए तुलसी वृक्ष में श्री ठाकुर जी की निवास है, श्री तुलसी वृक्ष में ठाकुर जी का निवास। इसलिए गले में अगर कंठी हो तो कौन आ गए? ठाकुर जी स्वयं आ गए, माँ लक्ष्मी, स्वयं माँ लक्ष्मी की निवास उसमें, माँ लक्ष्मी की निवास हो गई गले में। और तुलसी में सारे मेडिसिन है, जैसे स्नान करेंगे देखना सारे पानी सारा शरीर में, ये सारे पानी सारा शरीर में जाएगा, शरीर का सारे बीमारी को ये निकाल देती है, सारे बीमारी को निकाल देती है। और तुलसी जैसे आप ठाकुर को कुछ भोग लगा, जब तक उसमें तुलसी पता नहीं दोगे ना, देखना वो ठाकुर ग्रहणी नहीं करेंगे, ठाकुर जी ग्रहणी नहीं करेंगे। उसी तरह जब तक गले में हम तुलसी कंठी धारण नहीं करते हैं, ये शरीर हमारी पवित्र नहीं होता है। क्योंकि ये शरीर में टाटी पेशाब का एक थली है, लेकिन तुलसी कंठी धारण करने पर ये शरीर हमारी पवित्र हो जाता है, ठाकुर जी की सेवा में लग जाती है। इसलिए जब महाराज को जो बोले पता कैसे चलेगा कौन भक्त अभक्त, उन्होंने एक बढ़िया उदाहरण दिया। बोले दो तरह के कुत्ते हैं, एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता। आ देखना जो पालतू कुत्ते हैं गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता भैया ये किसी घर की कुत्ते हैं। और जो फालतू कुत्ते देखना बिना पट्टे के जो रोड रोड में घूमते हैं, देखना पालतू को कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं। इसलिए गले में तुलसी कंठी मतलब है हम सबके सब श्री ठाकुर जी की पालतू हैं, हम कोई फालतू नहीं। इसलिए हमें फालतू नहीं बननी चाहिए, क्या बननी चाहिए? पालतू, ठाकुर जी की पालतू हमें बननी चाहिए। इसलिए अगर गले में कंठी तिलक हो फिर तो हमें कोई भी स्पर्श नहीं करेगा। और तीसरा चीज क्या है? ठाकुर जी की नाम, ठाकुर जी की नाम हमें जप करनी चाहिए। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भगवान की भक्ति भगवत नाम से जीव की उद्धार हो जाते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। हाँ, यहाँ पर बामन भगवान बना कि नहीं? बामन भगवान बने हैं, हरे कृष्ण, वो कहाँ गए? हाँ तैयारी हो रही है, हो रही है। हरे कृष्ण, अभी श्री बामन भगवान आएंगे, उसको बाद में श्री भगवान कृष्ण चंद्र भी भगवान आने वाले हैं। इसलिए आज दो भगवान की जन्म होने वाले। अभी श्री नृसिंह भगवान की कथा सुन लेते हैं। कहते श्री प्रह्लाद महाराज की कथा सुने होंगे, जिनके पिताजी का नाम था श्री हिरण्यकशिप और उनकी बेटा का नाम है श्री प्रह्लाद। कहते ये जो भागवत जो सप्तम स्कंध की जो कथा है उसका नाम है उत्ति। बोले उत्ति का मतलब क्या है? बोले कर्म वासना, कर्म वासना इसका नाम उत्ति है। बोले कर्म वासना का मतलब क्या? बोले ये हिरण्यकश्यप कैसे बने और ये प्रह्लाद कैसे बने? बोले एक समय वैकुंठ से ठाकुर जी की
चरण तुलसी की खुशबू बैकुंठ से बहते बहते आया कहां पर? श्री ब्रह्मलोक में। अभी चतुसन की नासिका में वो प्रवेश करते ही वो उन्माद हो गए। पिताजी को पूछे, पिताजी इतने सुंदर खुशबू कहां से आ रही है? बोले बैकुंठ से ठाकुर की चरण तुलसी की चंदन की खुशबू है। बोले ठाकुर कितने सुंदर नहीं होंगे? बोले हाँ ठाकुर भी बड़े सुंदर है। बोले पिताजी हम ठाकुर को दर्शन करने जाए? बोले जरूर जाओ। उन्हें छह दरवाजा पार हो गए, सप्तम दरवाजा को बाद में ठाकुर के दर्शन है। वहां पर जय और विजय खड़े हुए थे। इतने में उन्होंने छड़ी को तो लगा करके वहीं पर रोक दिए। जब वहीं पर रोक दिए इतने में चतुसन का क्रोध आ गया। बोले हम जैसे ब्रह्म ज्ञानियों को रोक रहे हो, हम तुमको अभिशाप देते हैं, तुम दोनों राक्षस जन्म में जाओ। इतने में ठाकुर जी आ गए। बोले क्या हो गया? बोले ये हमें अभिशाप दे दिए। ठाकुर जी बोले देखो अगर तुम मेरे भक्त बन करके जाओगे ना, सात जन्म के बाद में आओगे। अगर मेरे शत्रु बन करके जाओगे, तीन जन्म में बाद में आ जाओगे। बताओ क्या चाहते हो? बोले प्रभु हम तो जल्दी जल्दी आपके पास में आना चाहते हैं। बोले जाओ मेरे शत्रु बन करके जाओ। ये पहले जन्म में हिरण्याक्ष के हिरण्यकशिपु बने, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण, तीसरे में शिशुपाल दंत बकर, और कलिजुग में ये जघाई और माधाई महाप्रभु का भक्त बन करके आए, तब इनको मुक्ति मिली है। पहला जीवन में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने। बोले हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने कैसे? हाँ माताएं ध्यान देकर सुनो। कहते शाम का समय में चार काम मत किया करो, संध्या का समय में चार काम नहीं करनी चाहिए। पहला काम क्या मत करो? बोले पढ़ाई लिखाई मत करो। जो पढ़ाई लिखाई करोगे ना, कहते विद्या उसको जो याद करेगा वो याद नहीं होगा, विद्या नष्ट हो जाती है। दूसरे काम किया? बोले शाम का समय में भोजन मत किया करो, भोजन करने से फिर पेट रोग होता है, बीमारी होती है। बोले तीसरा काम किया? बोले तीसरा काम है पति पत्नी मिलनी नहीं चाहिए। इसलिए एक दिन श्री दीति बड़ी सुंदर श्रृंगार की, शाम का समय था, और वो अपना श्रृंगार करके शीशा को सामने खड़ी हो गई। अपना रूप को देख करके फिर अपना काम को संभाल नहीं सकी। फिर उन्होंने कश्यप ऋषि से मिलने के लिए प्रार्थना की। कश्यप जी ने कहा देखो दीति ये समय सही समय नहीं है, ये शाम का समय है, अभी तो मत मिला करो। लेकिन वो काम में इतने आतुर हो गई थी, फिर उन्होंने पति को साथ में मिली। फिर कश्यप ने कहा दीति तुमने अच्छी काम नहीं की, तेरे गर्भ में राक्षस जन्म लेगा, ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। फिर उन्होंने अपना माफी मांग लिया। बोले मेरे अपराध को माफ कर दो, मेरी कल्याण कैसे होगी? बोले देखो तुम्हारी बेटे तो राक्षस बनेंगे, लेकिन बेटा का जो बेटा होगा ना भगवान की परम भक्त होगा, श्री प्रहलाद जन्म ग्रहण करेंगे, ठाकुर जी की परम भक्त होंगे। इसलिए शाम का समय में आप देखना कुछ कुछ बच्चे तो पिता माता की बड़ी आज्ञा पालन करते हैं, लेकिन ना कुछ कुछ बच्चे एकदम अबाध्य होते हैं, बात नहीं करते, बात नहीं सुनते। बोले क्यों? कहते एक होता है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार मतलब है गर्भ में बच्चे रहते हुए अगर आप गीता पढ़ोगे, रामायण पढ़ोगे, ठाकुर का कथा सुनोगे ना, आपका बच्चा बड़े आज्ञाकारी होंगे। अब रामायण में लव कुश देखे हो, लिखे कि नहीं लव कुश? जब माता सीता गर्भवती थी, भगवान राम ने बड़े बड़े संतों को उन्होंने वहां पर बुलाए, वहां पर सत्संग हुई। भगवान राम बोले सीते तेरे को पता है क्यों आज ये संतों को बुलाए? बोले क्यों? बोले तू गर्भवती हो, इसी समय अगर तू सत्संग सुनोगे बच्चे बड़े अच्छे बनेंगे, बड़े आज्ञाकारी बनेंगे और भक्त बनेंगे। देखा लव कुश हुए, वही बच्चे लव कुश हुए। इसलिए नियम है गर्भ संस्कार है। ये हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष इतने भयंकर दोनों दैत्य हुए, सारा दुनिया में उन्होंने टहलका मचा दिया सारा दुनिया में। पर मेरे देश में कोई हरि कीर्तन नहीं कर सकते हैं, हरि नाम नहीं कर सकते, प्रभु का भजन नहीं कर सकते हैं। और सारे देवता लोग त्राही त्राही करके ठाकुर जी को प्रार्थना की। ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, मैं इनका बेटा रूप में मेरे भक्त प्रहलाद आएगा, जब मेरे भक्तों पर अत्याचार करेगा फिर तो मैं सहन नहीं करूंगा, इसको जान से मार डालूंगा। इसलिए इनका बेटा प्रहलाद बन करके आया। नाम क्या है इनका? नाम क्या है? प्रहलाद। बोले प्रहलाद मतलब क्या? बोले प्रकृष्ट रूप में लाद, लाद मतलब होता है आनंद, जो हर समय प्रभु का प्रेम में आनंदित हो। बोले बेटा तो इतने भक्त बना,
उसको पिता की राक्षस बना, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो पिता की राक्षस बना। बोले इसलिए राक्षस बने, इसका कारण यही है राक्षस बनने का, इन्होंने चतुस्सन को क्रोधित होकर के उनको अभिशाप दिया था। अगर कोई साधु क्रोधित होकर के हमें अभिशाप दे भैया फल तो बुरा होगा ही, लेकिन अगर किसी साधु की कृपा हो जाए बढ़िया तो होगा। जब प्रहलाद मातृगर्भ में था उन्होंने भगवान की कथा सुनी, नारद जी उनको बड़ी प्यारी प्यारी कथा सुनाई। इसलिए संत कृपा से ही कोई आनंद प्राप्त करते हैं, अगर संत नाराज हो जाए तो हरि राक्षस बनते हैं। अभी प्रहलाद महाराज जन्म से ही परम भक्त है, पिताजी सोचा उनकी चार ही संतान थे, बोले प्रहलाद को ही मैं राज सिंहासन में बैठाऊंगा। बोले क्यों? बोले ये सर्व गुण संपन्न, जब संधा अमर को पास में पढ़ना पढ़ाने के लिए दिए, संधा अमर ने इनको साम दाम दंड भेद नीति उनको पढ़ाया, लेकिन उनको उन्होंने ग्रहण नहीं किया। जब उनको लगा बच्चा ने अच्छे तरह से सीख गया, उसको पिताजी ने पूछा बताओ गुरुजी ने क्या सिखाया, बोले गुरुजी ने ये सिखाए, बोले तत् साधु मन्ने सुर भर्ज्य देहिनाम सदा समुद्विग्नम धियाम असत ग्रहात हितात्म पात गृहांधकूप वनम गत जत हरिं माश्रय। बोले पिताजी अगर जीवन में कोई सुख शांति पाना चाहते हैं, ये संसार की आसक्ति को छोड़ करके संत को शरण में जाए, प्रभु की अगर भक्ति करेगा तो जीवन में उसको शांति सुख मिलेगा। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यप को तो इतना क्रोध आया, बोले मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, संधा अमर को बुलाया, बोले तू जिसकी थाली में खाते हो उसमें छेद कर रहे हो, ये भगवान मेरे शत्रु, मेरे बच्चे को मेरे शत्रु का ज्ञान दिया तुमने। बोले हमने तो ये ज्ञान दिया ही नहीं, ये पता नहीं ये कहां से सीख गया, ये अपने आप कहां से बोल रहा है। बोले ले जाओ इसको, लगता है कोई साधु इसका बुद्धि खराब कर रहा है। देखो उसी समय तो एक हिरण्याक्ष एक हिरण्यकश्यप थे, अभी तो कितने कितने हो गए। अगर बच्चा अगर उल्टा बुल्टा काम करे ना, शराब पिए गंजा फूके उल्टा बुल्टा कर, बोले वेरी गुड, लेकिन बच्चा अगर प्रभु का भजन कर, बोले तेरी बुद्धि किसने बिगाड़ दिया, अभी से ये प्रभु का माला कंठी तिलक क्या धारण कर ली। फिर उनको भेज दिया संधा अमर को पास में, फिर उन्होंने अच्छी तरह से विद्या पढ़ाई, लगा ये बच्चा अच्छे तरह से सीख गया, फिर ले आए शायद इनाम मिलेगा। बोले देख हमने जो पढ़ाया पिताजी को वही बोलना, मनमानी कुछ बोलना नहीं। फिर पूछा बेटा तुमने क्या सीखे, फिर उन्होंने बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनं बंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदन। बोले पिताजी ये जीवन पा करके भगवान की जो नव विद्या भक्ति, भगवान की कथा सुना, भगवान के नाम करो, भगवान की कीर्तन करो, उनकी चरण की सेवा करो, उनकी वंदना करो, उसको सुनते ही तो हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया, उसने गोद से उठाया और फेंक दिया। बोले कहां पर ये मेरे चंदन वंश में कहीं ये कांटा की वृक्ष जन्म ले लिया, इसको मार डालो, जितने राक्षस उसको पर टूट पड़े, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। बोले क्यों? बोले ठाकुर जी उनको गोद में लेकर बैठे हुए थे, उनको आकाश पहाड़ को ऊपर से फेंक दिया, ठाकुर जी पकड़ लिए, बीस पिलाया, ठाकुर को अर्पण करके पिया तो अमृत हो गया, उसको काल कोठरी में डाल दिया। बोले खाना पीना बंद कर दो, छह महीना तक अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन वैकुंठ में जब माँ लक्ष्मी नारायण के लिए छापान भोग 36 व्यंजन लाए, ठाकुर जी बोले लक्ष्मी मेरे भक्त प्रहलाद भूखे में बैठा हुआ, मैं कैसे खा सकता हूँ, चलो प्रहलाद को खिला करके आते हैं। माँ लक्ष्मी जो भोजन कराती भगवान को कराती थी, ठाकुर लक्ष्मी नारायण आकर के उसको रोज खाना खिला करके जाते हैं। बोले अभी दरवाजा खोलो, लगता है प्रहलाद खत्म हो गया, लेकिन जब दरवाजा खोलना और मोटा मन करने निकला। बोले भैया ये इस मोटा कैसे हो गया, इतने में उसकी बहनी थी होली का, उसको ब्रह्मा जी का वरदान था, इसको आग किसी तरह से स्पर्श नहीं करेगा। बोले होली का, बोले भैया चिंता मत करो, चिता जलाओ, चिता को बीच में मैं बैठ जाऊंगी, मेरे गोद में बैठा तो आग लगा दिया, जब आग लगा दिया चीख निकली, बचाओ बचाओ मर रही हूं,
हिरण्यकश्यप देखा बात खत्म, लेकिन जब आग बुझ गया ना, देखा होलिका तो जल कर खत्म हो गई, और प्रहलाद आग को अंदर में बैठी करके बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। अभी बोले भैया ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। जब किसी तरह से उसको मार नहीं पाए, अभी बड़ी चिंता में पड़े, अभी क्या करनी चाहिए। इतने में संधा अमर करने का कोई चिंता मत करो, हमारी बड़े गुरुजी शुक्राचार्य बाहर गए, छोटा बच्चा गुरुजी आग्रह समझाएगा तो समझ जाएगा। फिर उन्होंने गुरुकुल में भेज दिए। जब गुरुकुल में भेजे, संधा अमर को पढ़ा रहे थे, जैसे खेल छुट्टी होता है, दोनों गुरुजी गए घर में। इतने में प्रहलाद महाराज सारे बच्चों को लेकर बैठे गए, अब बीच में बैठे गए, बोले आज एक नया खेल खेलेंगे। बोले भैया कौन सा नया खेल खेलेंगे। बोले हाथों में ताली बजाते हुए ठाकुर जी का हम नाम करेंगे। बोले प्रहलाद तू क्या बोल रहे हो, अभी से ठाकुर का नाम करेंगे। हमने सुना ये जो भजन, ये रिटायर्ड लाइफ में भजन करते हैं, अभी तो हम 5 साल के हैं, अभी तो पढ़ाई लिखाई करेंगे, फिर तो नौकरी चाकरी शादी शुदा करेंगे, फिर बच्चे होएंगे उनको शादी शुदा करके, जब रिटायर्ड लाइफ हो जाएगा थोड़ा राम राम कृष्ण कृष्ण फिर तो थोड़ा कर लेंगे, तो अभी से भजन करने की बात क्या बोल रहे हो। देखो प्रहलाद कितनी अच्छी बात बताए। बोले देखो बच्चों, बोले कौमार आचरते प्राज्ञम धर्मान भागवतानिय दुर्लभम मनुष्य जन्मम तदपि अध्रुवम अर्थदम। बोले बच्चों भगवान की भक्ति 5 साल उम्र से करनी चाहिए। बोले क्यों, जब बड़े होएंगे करेंगे। बोले तुम्हारे पास में कोई गारंटी कार्ड रखा हुआ है, अगर उसको बीच में राम नाम सत्य हो गया तो। बोले नहीं तो अगली जीवन में करेंगे। बोले दुर्लभ मनुष्य जन्म, ये जीवन ठाकुर बारंबार नहीं देते, ये तो 84 लाख जन्म को बाद में ठाकुर जी कृपा करके एक बार ये मानव शरीर देते हैं। इसलिए बच्चों ये भगवान की भक्ति जितने जल्दी होनी चाहिए ठाकुर जी की भक्ति में लग जानी चाहिए। क्यों, जीवन ठाकुर और दोबारा हमें नहीं देंगे। जो चीज बचपन से आदत डालोगे बड़े उम्र में वही चीज याद आएगी। जो चीज आप बचपन में जो चीज करोगे नहीं बाद में आना बड़ा कठिन। इसलिए बोले जैसे कोरे कागज के ऊपर में एक बार लिखो स्पष्ट दिखेगा, लेकिन दो बार लिखो तो दोनों ही जाएगा। कच्चा मिट्टी हो, कच्चा मिट्टी में जो कुछ बनाना चाहते हो तो बन जाएगी, मिट्टी जब पक जाती है फिर कुछ बनती नहीं। इसलिए पौधा जब छोटा हो एक जगह से उखाड़ करके लगाओ फिर जम जाती है, लेकिन जड़ ज्यादा नीचे चली जाए फिर जमेगी नहीं। फूल जब खिला हुआ हो तभी तो ठाकुर के चरण में चढ़ेगा। देखो ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज कितने उम्र में भजन की, 5 साल उम्र में। मीरा ने कितनी उम्र में भजन की, 5 साल में। हनुमान जी बचपन से, तुलसीदास जवान में। अब देखोगे जो जो भक्ति करते हुए जिनको देखा होगा ना, रिटायर्ड लाइफ में कोई भजन नहीं करते हैं। बोले सरकार रिटायर्ड क्यों करता है, जब देखता है और ये 8-10 घंटा बैठ करके काम कर ही नहीं सकता। बोले भैया जो कुछ होना हो गया अब घर में जाओ, जाओ अपना घर में, अभी किसी काम की नहीं रह गया। जब साधारण काम से रिटायर हो जाते हैं फिर प्रभु का भक्ति में कैसे हम लग सकते हैं। तो उन्होंने एक बढ़िया बात बताई, आप भी ध्यान देकर सुनो। कोई कहते हैं ना अरे लास्ट उम्र में भक्ति करेंगे, देखो उन्होंने क्या बताया। बोले देखो बच्चों मानो हम 100 साल जिंदा रहेंगे। बोले हाँ। बोले आधा रात और आधा दिन, आधा रात को तो सो करके बीत जाती है, सो करके मतलब 50 साल गया, 50 साल बाकी रह गई। 10 साल तक बच्चे खेलते कूदते हैं, उनको बचपना 10 साल तक बचपना जाती है, 60 साल हो गया, 20-25 साल तक पढ़ाई लिखाई में लग जाएगी, कितना साल हो गया,
75 साल हो गया, और कितना साल बाकी रह गया? बोले 25। बोले 25 साल में जो बुढ़ापा का उम्र होता है ना, आगे आ जा, जब 25 साल बुढ़ापा का उम्र होता है, देखना 80 साल से लेकर 100 साल तक का जो जीवन है, देखना कमर में दर्द, आंख में दिखाई नहीं पड़ रहा है, कान में, अभी तो 60-70 साल में खत्म हो जाते हैं, अभी तो ज्यादा साल जिंदा रहते नहीं, वहां 100 साल के हिसाब में देते हैं। 20 साल तक केवल शरीर की चिंता में जाता है, हैं? कमर टेढ़ी हो गई, बैठने पर उठा नहीं जाता, यहाँ पर माताएं कुछ बैठी हुई कभी इधर होती हैं, क्योंकि बैठा नहीं जाते हैं, कमर में दर्द, घुटन में दर्द है। 20 साल तक ऐसे बीत जाती शरीर का, बीच में 5 साल रह गई, अभी बच्चों को बड़ा करना, शादी करवाना, दुकान बनना, मकान बनाना है। अगर 100 साल हो गए ना, देखना वो 200 साल का प्लानिंग बनाकर बैठा हुआ रहता है, हैं? इसलिए बोले बच्चों, भगवान की भक्ति बचपन से शुरू कर दो, क्योंकि जाना बड़ी दूर है, ठाकुर तक जाना, अगर अभी से चलना शुरू करोगे ना, फिर तो किसी तरह से अंतिम समय में ठाकुर जी के पास में पहुंच सकते हो। प्रहलाद इतने सुंदर सुंदर बात बताए, और एक प्रहलाद था, सब प्रहलाद हो गए, सभी का बुद्धि बदल गई। बोले प्रहलाद, बड़ी तुमने अच्छी अच्छी बात बताई, हम तो भक्ति करेंगे, देखो और राक्षस से बचे थे, सबके सब राक्षस से बचे थे, लेकिन प्रहलाद की ज्ञान से सबके सब भक्ति करना शुरू कर दी। प्रहलाद ने कहा, देखो बच्चों, कोई बढ़िया चीज हो ना, अकेले मत खाओ, सबको दे करके खाओ, प्रसाद क्या करनी चाहिए, सबको दे करके भोजन करनी चाहिए। चलो ठाकुर का नाम यहाँ कर पर क्यों, गली गलियों में जा करके ठाकुर का कीर्तन करेंगे, सबको कान में ठाकुर जी का नाम पड़े, सभी की उद्धार हो, सभी की कल्याण हो। इसलिए एक प्रहलाद सब प्रहलाद हो गए, अभी गली गली में मजीरा ढोलकी लेकर के बोले, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 बोले भैया मेरे देश में ठाकुर का नाम कौन ले रहा है? एक व्यक्ति को भेजा, एक राक्षस को देख कर कहा, मेरे देश में हरि का नाम कौन लेने का, कितना हिम्मत किसकी? उसने जा करके देखा, भैया एक प्रहलाद थे और सौ बच्चे प्रहलाद, सबके सब की जो बीमारी है ना बड़ी जल्दी फैलती है। देखना अशोक नगर में एक कंठीधारी मालाधारी हो गई, फिर दूसरे तीसरे करते करते गुरु बन गया, अभी घर घर में हमारे जो राधे राधे प्रभु जी अभी गली गली में क्या कराते हैं, भगवान का नाम लेकर के घर में कीर्तन करते हैं, गली गली में ठाकुर जी का नाम कीर्तन करवाते हैं। बोले भैया ये बीमारी तो बड़ी तेजी से बढ़ रही है, ये बीमारी को नष्ट करनी चाहिए। उसने जाकर के प्रहलाद को मना किया, उसको शरीर में जब हाथ लगाया, हरि कीर्तन बंद करो, लेकिन उसके शरीर में तो कृष्ण प्रेम का जो स्रोत चल रहा था, है? उसको शरीर को स्पर्श करते ही वो 1000 वोल्ट का वोल्टेज का लाइट थी, कृष्ण भक्ति स्पर्श करते ही ना उसकी शरीर में भी संचारित हो गया। उसने कहा, भैया हरि का नाम में तो बड़ा आनंद है, बड़ा रस है, वो मना क्या करेगा? बोले भैया ये रस को मैं भी थोड़ा पी लूं, वो मना क्या करेगा, उनको साथ में भी हरि कीर्तन करने में मस्त हो गया। हिरण्यकश्यप ने देखा, भैया गया तो गया, अभी तक वापस नहीं आया, और एक दूत को भेजा, उसने जाकर देखा, वो मना क्या करेगा, उनको साथ में वो भी कीर्तन कर रहा है, ये भी जाकर के मना करते ही प्रहलाद को स्पर्श करते ही इसकी शरीर में भी कृष्ण भक्त की रस संचार हो गया। वो मना क्या करेगा, भैया मैं भी थोड़ा इसको पान कर लूं, वो भी कीर्तन, अभी जो जाए ना कोई वापस नहीं आए। हिरण्यकश्यप को तो बड़ा क्रोध आया, बोले अभी तो कोई वापस नहीं आया, हिरण्यकश्यप स्वयं बाहर निकल करके आ गया, देखा भैया ये क्या हो रहा है, जो मना करने के लिए जिनको भेजा वो भी प्रभु का भक्ति में मस्त हो गया। देखो
उनका नाम कृष्ण है, हरि है। हरि मतलब क्या? सारे पाप को जो हर ले, सारे क्लेश को जो हर ले, सारे दुख को हर ले और जीवन में हमें जो आनंद प्रदान करे। इसलिए ठाकुर का नाम मंगल भवन अमंगल हरि ठाकुर जी का नाम। ये ठाकुर क्योंकि भगवान की हम सब बच्चे हैं, एक पिता हमारी, एक भगवान, राक्षस हो देवता हो दैत्य हो, हम एक पिता की ही संतान हैं, सब ठाकुर की संतान हैं। सभी के अंदर में सुप्त रूप में भक्ति की भावना छुपा हुआ है, लेकिन इस संग के प्रभाव से वो प्रकाशित तो हो जाते हैं। हिरण्यकश्यप को तो बड़ा क्रोध आया, उसने बड़े जोर से डांट लगाई, बोले बंद करो हरि कीर्तन, मेरे देश में हरि का नाम इतना हिम्मत किसकी हो गई। बोले ये प्रहलाद सबको उन्होंने भक्त बना दिया, बोले प्रहलाद मेरे डर से त्रिभुवन कांप रहा है, देवता लोगों को भी खदेड़ दिया वहां से, सारा दुनिया मेरे डर से कांप रहे, लेकिन तू एक ऐसे ढीठ जैसे कुत्ते का पूछ है ना, भले ही जितने तेल लगा दो उसका पूछ कभी सीधा नहीं होता है, ऐसे कुत्ते का पूछ जैसे तेरी भावना है, बताओ तेरे को इतनी हिम्मत किसने दिया, पहले तेरे प्रभु को देखूंगा बाद में फिर तेरे को देखूंगा, बताओ तेरे हरि कहाँ है। बोले पिताजी ये बताओ मेरे हरि कहाँ नहीं तो बताओ, मेरे हरि तो सर्वत्र है, कण कण में व्याप्त है। बोले मेरे को क्यों नहीं दिख रहा है? बोले पिताजी आपकी आंखों में काम क्रोध लोभ की अंजन लगा करके रखे हो, इसलिए नहीं दिख रहे हैं। जब आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगाओगे तभी आपको दिखेगी। बोले ये खंभे में क्या है? बोले मेरे को तो दिख रहा है ठाकुर जी बैठे हुए। सचमुच से नरसिंह देव प्रकट हो गई, उन्हें डायरेक्ट देखा, उसने एक मुष्टि का घात को उन्होंने प्रहार किया और ये खंभा फट गया और साक्षात नरसिंह देव प्रकट हो गए। बोले श्री नरसिंह भगवान की। अभी दोनों में घमासान युद्ध हुई। जब ठीक शाम का समय आया ना, जैसे एक बिल्ली चूहे को पकड़ ले, ठाकुर जी हिरण्यकश्यप को पकड़े और दहेली पर आकर के जंघे के ऊपर रख दिए और उसको मारने जा रहे थे। हिरण्यकश्यप ने कहा प्रभु मेरे को मार नहीं सकते। बोले क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया। बोले बता क्या लिया? बोले दिन में नहीं मरूंगा और रात में नहीं मरूंगा। बोले भले आदमी ऊपर देख, ये दिन भी नहीं रात में नहीं, ये शाम है। बोले किसी महीना में नहीं मार सकते। बोले याद कर कौन सा महीना? ये मल मास है, ये अधिक महीना। बोले तब भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैंने वरदान लिया था ब्रह्मा का, कोई सृष्टि प्राणी को हाथ में नहीं मरूंगा। बोले अच्छे तरह से देख ले मैं कौन हूँ, ब्रह्मा का मैं बाप हूँ। बोले तब भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले आकाश में नहीं धरती में नहीं मरूंगा, मारोगे कैसे? बोले तुम मेरे जंघे के ऊपर। बोले तब भी नहीं मार सकते, मैंने बहुत वरदान लेकर रखा। बोले बता क्या वरदान तेरे ऊपर में? बोले मेरे पास में वरदान है, किसी अस्त्र में नहीं मरूंगा, किसी शस्त्र में नहीं मरूंगा, तो मारोगे कैसे? बोले अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं, मेरे नाखून को देख ले। देखते देखते पेट फाड़ दिए और जितने नाड़ी गुड़ी लेकर के उन्होंने गले में उन्होंने धारण कर लिया और इतने भयंकर रूप था, कोई देवता ब्रह्मा शंकर नारद कोई फटक नहीं पाए। माँ लक्ष्मी भी आई और देख करके डर मारे भाग गए, प्रहलाद को पास में गए। बोले तेरे लिए प्रभु जी प्रकट हुए हैं, तू ही शांत कर सकते हो। प्रहलाद जब आए ना, एकदम उसका क्रोध शांत हो गया, ठाकुर जी गोद में बैठा लिए, ठाकुर जी उसको चाटने लग गए। बोले प्रहलाद मेरे लिए तेरे को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा, इसलिए मेरे को आने में देर हो गई, मेरे अपराध को तुम माफ कर देना। ठाकुर जी बोले प्रहलाद मेरे डर से कोई नहीं आ पा रहे, तेरे को डर नहीं लगता है? बोले ठाकुर जी शेर दूसरे के लिए शेर होता है लेकिन उसको बच्चे के लिए शेर नहीं होता है, आपका ये रूप तो मेरे को बड़ा प्यारा लगता है। ठाकुर जी ये संसार को देख कर डर लगता है, आप तो मेरे को पिता हो, आप मेरे मैया हो, मैं तो आपको बच्चा हूँ, इसलिए आप तो मेरे को बहुत अच्छे लगते हो। ठाकुर जी गोद में बैठा है, बोले मेरे से वर मांगो। बोले प्रभु इसकी चक्कर में मेरे को मत डालो, देखो अगर बेटा भक्ति करता तो कितने महत्व है। बोले ठाकुर जी देना चाहते हो? बोले हाँ। बोले मेरे पिता बड़े दुष्ट थे, मेरे पिताजी को आप उद्धार कर दो। देखो ठाकुर जी क्या कहते हैं? बोले प्रहलाद तेरे जैसे बेटा जिस कुल में जन्म लिए उसका तो 21 पीढ़ी उद्धार हो गए, तेरे पिता माता का जीवन धन्य हो गया है, ये पृथ्वी धन्य हो गई,
तुम्हारे जितने पूर्वज जो पहले गए वो तो हाथ उठा उठा करके नृत्य कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले और कुछ मांगो, देखो भक्तों का हृदय कितना उदार है। बोले ठाकुर जी ये संसार में जितने जीव दुख कष्ट भोग कर रहे हैं वो सारे दुख कष्ट मेरे को दे दो, ये सारे दुख कष्ट लेकर के करोड़ों काल के लिए मैं नरक जाऊं लेकिन ये ब्रह्मांड को उद्धार कर दो। ठाकुर जी बोले तेरी इच्छा है ना, ये ब्रह्मांड को उद्धार कर ले, मैं एक ब्रह्मांड को मैंने वैकुंठ भेज दूंगा लेकिन तेरे को पाप लेने का जरूरत नहीं, तेरे को पाप लेने का जरूरत नहीं। फिर उन्होंने ठाकुर जी का आरती उतारी, ठाकुर जी प्रसन्न होकर के ठाकुर जी चले गए। देखो ये जो नरसिंह भगवान है, ध्यान देकर सुनो, अगर तुम्हारे जीवन में कोई भी दुख कष्ट हो, बड़े से बड़े दुख कष्ट हो, जैसे प्रहलाद के ऊपर में कितने विपत्ति आई लेकिन ठाकुर जी सारी विपत्ति से रक्षा की, अगर आपको ऊपर में कोई भी बड़े से बड़े विपत्ति आए, अगर आप ठाकुर जी का स्मरण करोगे ना नरसिंह भगवान को, बड़े से बड़े विपत्ति टल जाएगी। किसी तरह का भूत पिशाच डाकिनी साकिनी कुछ भी विपत्ति आए, केवल नरसिंह देव का नाम लो, जीवन का सारे दुख कष्ट तुम्हारी समाप्त हो जाएगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। भैया बामन भगवान तैयारी हो कि नहीं? तो तैयारी हो गई, बस तैयारी हो गई, ठीक है। और हमारे नंद जसोदा तैयारी हुए? नंद जसोदा कहाँ है, कहाँ है? हरे कृष्ण कहाँ है? जसोदा कहाँ है, कहाँ है, कहाँ बैठे? अरे हमें दर्शन दो, ठीक है उसको जाकर तैयार कर दो। ए जब तैयार कर, छोटा बच्चा किसी बनाए, जब बनाओ जाओ जाकर, जाओ जाकर देखो, अभी बामन भगवान कृष्ण आए, फटाफट तैयार कर दो, अभी हम समाप्त कर रहे हैं। हरि बोल। बोले श्री बामन भगवान की जय, जय श्री राम। अभी कभी देवता देखते में युद्ध होने पर देवता मरे तो मर जाए, दत्त्य मरे तो उनका गुरु शुक्राचार्य जिंदा कर दे। एक समय देवता लोग ठाकुर जी के पास में गए, हम अमर कैसे बनेंगे? बोले समुद्र मंथन करो, अमृत पी करके अमर बन जाओगे। बोले समुद्र मंथन हुई तो समुद्र मंथन से जब अमृत निकली, अभी देवता दैत्य में लड़ाई शुरू हो गई, दैत्य लोग जोर जबरदस्ती छीन लिए। ठाकुर जी ने देखा अगर दैत्य अमृत पिएंगे अमर बन जाएंगे, अगर ये अमर बन जाएंगे ना दुनिया के लिए हानिकारक, भगवान मोहिनी अवतार लेते हैं। बोले श्री मोहिनी भगवान की। जब मोहिनी आए इतनी सुंदरी थी, वो जो आपस में अमृत के लिए लड़ रहे थे ना, लड़ना बंद हो गया, अभी तो मोहिनी को प्रति पागल हो गए, मोहिनी को देख करके मोहिनी के प्रति पागल हो गए। इतने में मोहिनी बोले भैया लड़ाई क्यों कर रहे हो? बोले अमृत के लिए। बोले चिंता मत करो, दो लाइन करके बैठो, मैं अमृत बांट देती हूँ, पहले देवता को तो पानी पानी पिला देती हूँ, जो गाढ़ा गाढ़ा रह जाएगा ना फिर हम दोनों बैठ करके पान करेंगे। देखते लोग बोले मोहिनी अगर हम अमृत नहीं मिले, अगर तू मिल गई तो हमें सब कुछ मिल गया। उन्होंने जब दैत्यों को देवता को अमृत पिला रही थी, थोड़ी सी तेरे से चित्त बन से वो दैत्यों का तरफ में देख रही थी और मीठी मीठी हंस रही थी। दैत्यों का तो अमृत का प्रति नजर ही नहीं, इनका नजर तो था केवल मोहिनी को प्रति। उन्होंने अमृत पिलाते पिलाते जब चंद्र सूर्य को पिला रही थी, बीच में एक दैत्य स्वरभान नाम का दैत्य बैठ करके पी लिया। चंद्र सूर्य इशारा किया, प्रभु ये दैत्य है, धोखे से अमृत पिया। भगवान चक्र को बुलाए, गला को काट दिए, एक हो गया राहु और एक हो गया केतु। इसलिए ये बीच बीच में ये चंद्र सूर्य को ये ग्रास करते हैं। अभी उन्होंने अमृत पिलाते 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 जब समाप्त हो गया, इतने में ठाकुर जी वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। देवता तो अमृत पी चुके हैं, दत्त्यों को जैसे केले का पेड़ काटते हैं ना, ऐसे ही उनको केले का पेड़ जैसे काटना शुरू कर दिया। फिर ब्रह्मा जी आकर के युद्धों को बंद किया, फिर शुक्राचार्य जी जिंदा कर दी। इतने में बलि महाराज ने यज्ञ किया, और यज्ञ से एक रथ निकली, वो रथ के ऊपर कोई बैठ करके युद्ध कर कोई परास्त नहीं कर सकते हैं। फिर उन्होंने स्वर्ग के ऊपर आक्रमण किए, सारे देवता को वहां से भगा दिया और बलि महाराज इंद्र के सिंहासन को दखल कर लिए। अभी देवता को जो माँ अदिति, उसने कश्यप ऋषि को बोले बोले ये स्वर्ग राज्य मेरे बच्चों को कैसे मिलेगा? बोले एक काम करो, केवल 12 दिन का एक पर्व व्रत है,
दूध केवल पी करके रहो, ठाकुर को खीर भोग लगाओ, नियम से रहो ना, भगवान स्वयं बामन बन करके आएंगे और तुमको स्वर्ग राज्य देंगे। और इतने में श्री बामन देव जन्म लेते हैं। बोले श्री बामन भगवान की जय। अभी बामन भगवान बोले आपको क्या दक्षिणा चाहिए, बृहस्पति ने कहा देखो बलि महाराज को पास में जाओ, स्वर्ग राज्य को मांग करके लाओ। बलि महाराज को देख करके बोले मेरे जीवन धन्य हो गया है, इतने सुंदर ब्राह्मण, बोले इतने दान दूंगा तुमको और कहीं जाने का जरूरत नहीं, मांगो। बोले पहला वो संकल्प करो। इतने में ही जब संकल्प करने के लिए जा रहे थे शुक्राचार्य जी आ गए। शुक्राचार्य बोले खबरदार बलि सावधान, इसको जो देख रहे ना ये जानते हो कौन है, पहले जो मोहिनी बन करके आई थी अभी ये मोहन बन करके आया, ये तीन पग जमीन मांगेगा त्रिभुवन ले जाएगा। देखो ये दान को प्रशंसनीय नहीं मानी जाती। बोले भैया मेरे दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू है, एक तो ठाकुर जी फिर भीख मांगने आए, इच्छा करने पर ठाकुर सब कुछ ले सकते हैं, हम तो जरूर इनको दूंगा। बोले मेरे बात नहीं मानोगे, बोले नहीं, बोले जा तू श्री भ्रष्ट हो जा। देखो नियम है गुरु त्याग नहीं करनी चाहिए, ये अपराध है, लेकिन श्री बलि महाराज ने शुक्राचार्य को त्याग दिया। बोले क्यों त्याग दिया, बोले दो तीन क्षेत्र में हम गुरु जी को त्याग दे सकते हैं। पहला कारण किया, अगर गुरु जी भगवत भक्ति में भगवत भजन में अगर बाधा दे, बोले गुरु जी का काम क्या है, बोले अखंड मंडलाकारम व्याप्त जेन चराचरम तत्पद दर्शितम जन तस्मै श्री गुरुविनो, जो कण कण में जो व्याप्त भगवान है उनको जो दर्शन करा दे, ये गुरु का काम। बोले गुरु जी मांगने के ठाकुर जी मेरे पास में आए, आप कह रहे हो ठाकुर को ही मत दो, ये कोई गुरु जी है? गुरु का काम तो ठाकुर को दो, ठाकुर को सेवा करो, आप यहाँ पर ठाकुर को सेवा के लिए मना कर रहे हो, ये कोई गुरु जी का काम है? इसलिए उन्होंने त्याग दिया। दूसरा कारण है अगर गुरु जी पतित हो गई, भ्रष्टाचार हो गई, गुरु जी को हम त्याग दे सकते हैं। तीसरा कारण है अगर गुरु जी तुम्हारी वैष्णव नहीं, इसलिए पद्म पुराण कहता है अवैष्णव उपदेष्टन मंत्रण निरवृजत, इसलिए जो मंत्र दिखा किसी शुद्ध वैष्णव परंपरा में नहीं चाहिए। चार ही वैष्णव परंपरा है, श्री ब्रह्म रुद्र और सनक, ये चार ही वैष्णव संप्रदाय में अगर गुरु जी हो ठीक, अगर इससे बाहर हो तो ये मंत्र कहते निष्फल हो जाता है। कहते पुनः विधि विधान को साथ में हमें वैष्णव गुरु ग्रहण करनी चाहिए, नहीं तो जीव का कल्याण नहीं। इसलिए इतने में उन्होंने संकल्प किया तो भगवान एक पग में भूर भुव मोह जन तप सत्य लोक को नाप लिया, एक चरण ब्रह्मलोक में पहुंचा, ब्रह्मा जी अभिषेक करके पानी को कमंडल में रखे, वही श्री पतित पावनी गंगा। बोले श्री गंगा देवी की कोई गंगा, देखो आज गंगा सागर में सब स्नान करने के लिए गए ना, अगर यहीं से गंगा जी को स्मरण करोगे तो यहीं पर ही स्नान हो जाएगा। जोर से बोलो, बोले श्री गंगा देवी। अभी दूसरे चरण में अतल बितल तलातल पाताल, बोले तीसरे चरण में बताओ। इतने में भगवान गरुड़ को बुला करके नाग भास बंधन में बांध दिया, उनकी जो पत्नी थी बड़ी अच्छी थी, बोले ठाकुर को किया दिया, कुछ दिया ही नहीं, दुनिया ठाकुर ठाकुर दुनिया ले लिया, जब तक तो खुद को खुद नहीं देते हो, बोलो ना मेरे सर के ऊपर रखे। बड़े प्रसन्न हो गए, ठाकुर जी को बोले बलि महाराज बताओ दान बढ़ाना दानी बड़ा, बोले दानी बड़ा, बोले आप तो दान लिया भी दानी स्वयं बाकी, बोले चरण कहाँ, बोले बताओ कहाँ पर रखे, बोले सर के ऊपर रखे। ठाकुर जी अपना चरण उन्होंने बलि महाराज के सर पर रखे, सारे देवता देख देख कर हैरान हो रहे थे, कितने भाग्य हैं आज वो दुर्लभ चरण कैसे उन्होंने श्री बलि महाराज के ऊपर रखे। बोले बलि महाराज की, फिर उन्होंने सुतल लोक में स्थान दिया, बोले एक दिन तुम एक स्वर्ग का इंद्र बनने वाले हैं। ठाकुर जी बोले वर मांगो, बोले मैं जब जब अपना घर से निकलू ना आपका दर्शन करूं, जब घर में आओ दर्शन करूं। ठाकुर तथास्तु बोल दिए, मतलब ठाकुर जी प्रेम में इतने बसीभूत हो गए उनका दरबार बन गया।
ठाकुर जी उनकी दरवाजा पर बैठ करके दरबान का काम करते ठाकुर जी। बोले श्री बलि महाराज की, बोले श्री बामन भगवान की। देखो अभी भगवान बामन देव आपको पास में भिक्षा लेने के लिए जाएंगे और ठाकुर जी को भिक्षा देने का बड़ा पुण्य है। सुदामा ने दो मुठी चिड़वा दिया, ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दिया है। अभी ठाकुर जी आपके पास में जाएंगे, अब थोड़ा थोड़ा ठाकुर जी को भिक्षा देना, ठीक है। और देखो आज तो भगवान कृष्ण जन्म हुए, अब लोग कौन सा रंग के साड़ी पहन करके आए, कौन सा रंग के, कोई कोई पीला पीली तो दिख नहीं रहे, एक हाथ बीच बीच में कोई पीली, सब तो सबके सब तो गुलाबी लाल ही दिख रहे। हाँ देखो कल श्री किशोर जी की राधा रानी की कल जन्म होगी, इसलिए कल सबके सब गुलाबी रंग के साड़ी पहन करके आना, ठीक है। चादर जो कुछ पहनना गुलाबी रंग के, क्योंकि ये गुलाब रंग अनुराग का रंग है, ये श्री अनुराग का रंग गुलाब रंग है, राधा रानी की चुंदरी का जो रंग है ना वो ये गुलाब रंग, ठीक है। कल से राधा रानी की जन्म होगी और जो परसों दिन एकादशी है और हम सोच रहे थे गोवर्धन पूजा परसों करने के लिए, भैया कहाँ गए, जीत जीत प्रभु जी जीत जीत इधर आ जा, गोवर्धन पूजा कब कराएंगे, कल कर देंगे। हाँ देखो कल श्री, क्योंकि परसों एकादशी है, आप परसों दिन तो बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर नहीं ला सकते हो, क्योंकि गिरिराज पूजा की सबसे बड़ा महत्व है। जब ब्रजवासी गिरिराज की पूजा की, कृष्ण वरदान दिए, अन्नकूट महोत्सव में एक अन्न का दाना, केवल एक अन्न का दाना अगर गिरिराज की सेवा में कोई लगाएगा, किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ेगा। अब लोग गिरिराज गए हो, कौन कौन गिरिराज गए हाथ उठाओ, कोई हाथ नहीं उठा रहे, इतने लोग गिरिराज गए, हे भगवान। देखो जो लोग गिरिराज गए ना, आप देखना गिरिराज की जो शिला पत्थर के ऊपर में पत्थर रखा हुआ देखे होंगे ना, जानते हो क्यों रखते हैं, बोले जिसको जितने ताला मंजिल चाहिए, मकान चाहिए, गिरिराज शिला के ऊपर में जितने शिला रख देते हैं, ठाकुर जी उतना मंजिल मकान दे देते हैं, ठाकुर जी उतना मंजिल मकान बना देते हैं। आप देखना लोग दूध की धार में परिक्रमा करते हैं, स्नान कराते, बोले क्यों, बोले जिनकी नौकरी चाकरी नहीं, जिनकी बेटा बेटी की शादी नहीं होती है, हैं, कहते गिरिराज की परिक्रमा करे अभिषेक कर, तो इनका नाम सर्व अभिष्ट प्रदाता, मतलब जो कुछ श्री गिरिराज से मांगो गिरिराज सब कुछ गिरिराज दे देते हैं। हमारे बड़े गुरु जी कहते थे जो गिरिराज की परिक्रमा करते हैं ठाकुर जी उसको पीछे 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 ठाकुर जी घूमते हैं, इतने कष्ट करके परिक्रमा कर रहा है, क्या मेरे से मांगेगा, क्या मेरे से मांगेगा, जो मांगो गिरिराज वही दे देते हैं। इसलिए कल हम लोग यहाँ पर गिरिराज की कथा सुनेंगे, गिरिराज की पूजा करेंगे, आप लोग अपना घर से कुछ थोड़ी थोड़ी बना बना करके लाना, जैसे बढ़िया जो चीज बनाते हो, जो कढ़ी बनाते हो, जो हलवा बनवाते हो, जो शाही पनीर बनाते हो, जो मटर पनीर, जो जिसको बढ़िया खाना बनाते हो, कुछ ना कुछ बना करके शुद्ध रूप में, बगैर प्याज लहसुन के शुद्ध रूप में बना करके लाना, नहीं तो कोई एक फल ले आना, नहीं तो कोई मिठाई लाना, ठीक है ना, क्योंकि गिरिराज की सेवा में एक बार उनकी पूजा कर लो, जन्म जन्मांतर के लिए सब कुछ तुम्हारी अभाव दूर हो जाएगी। और जो प्रसाद कल लाओगे ये प्रसाद आपको ही मिलेगा, पूजा के बाद में ये प्रसाद आप सबको ये प्रसाद मिलेगा, खाली हाथ से कुछ आना नहीं, कोई कुछ ना कुछ नहीं हो, कोई फल भी लेकर के आप आ सकते हो। बस गिरिराज बाबा की, कोई गिरिराज की जयकार नहीं करते, गिरिराज की जयकार देखो तभी तो गिरिराज इच्छा पूरी करेंगे, जोर से बोलो बस श्री गिरिराज महाराज की। अभी भगवान बामन देव आपको पास भिक्षा लेने के लिए जाएंगे, आप लोग कुछ ना कुछ भिक्षा देना, बच्चों को ले जाओ तो उठा करके ले जाओ। अभी भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले हैं, ये तिथि दिन बोलिए बामन भगवान की जय, जय श्री राम, वो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे भूमि, वो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे भूमि।
राज्ञां च भयवंशानां चरितं परमाद्भुतं। बोला हमारी सनातन धर्म में बहुत भगवान हुए, विशेष करके उसमें दो भगवान हुए हैं जिनकी कथा सबसे प्यारी। एक तो भगवान राम है और एक भाव भगवान कन्हैया। ये इनकी कथा सबसे प्यारी कथा की ठाकुर जी की। कहते तीन गंगा है, एक आकाश में जिसका नाम मंदाकिनी, एक मर्त्य जगत में जिसका नाम भागीरथी, और एक पाताल में जिसका नाम भोगवती। जैसे ये तीन गंगा तीन लोगों को कल्याण करती है, ठाकुर को कथा भी तीन लोगों को कल्याण करती है। बोले किसको किसको? जो कथा सुनते हैं, कथा जो बोलते हैं और जो प्रश्न करते हैं, ये भगवान कथा ये तीन लोगों को कल्याण करती है। ठाकुर की कथा में इतने रस है, इतने आनंद है ठाकुर जी की भजन और कथा में। बोले जो आत्मा में रमण करने वाले जो बड़े बड़े जोगी मुनि ऋषि भी सब कुछ छोड़ करके भगवान की प्रेम रस में सबके सब डूब जाती है। अगर कोई भवसागर से पार होना चाहते हैं, अब कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल भगवान की कथा सुना। ठाकुर की कथा सुनते सुनते संसार से हम पार हो जाएंगे। जब कंस जन्म लिया, बड़ा उत्पात मचाया, इतने उत्पात उसने मचाना शुरू किया, अपना पिताजी को तो जेल में बंद करवा दिया। बोले मेरे देश में कोई भी कीर्तन नहीं कर सकते हो, ये जितने साधुओं को जेल में बंद करवा दियो, खबरदार यज्ञ नहीं कर सकते, जो कुछ करना मेरे नाम करो, मेरे देश में भजन भजन कुछ नहीं होगा। बंद कर दिया साधी साधुओं को। अभी सारे देवता लोग, पृथ्वी चंद्र सूर्य सारे देवता खीर समुद्र के पास में गए, ठाकुर जी को पुरुष सुक्त मंत्र से ठाकुर जी का आह्वान किए। भगवान आकाशवाणी की, हे देवताओं चिंता मत करो, तुम लोग सबके सब जदु वंश में जाकर के जन्म लो। हे देवियां सबके सब गोपी वंश में जन्म ग्रहण करो, मैं जल्दी जल्दी जगत में अवतीर्ण हो रहा हूँ। अभी एक दिन कंस अपना बहनी को शादी दी, बहुत कुछ दहेज रूप में दी और स्वयं सारथी बनकर के विदाई दे रहा था। बीच रास्ता में आकाशवाणी हुई, बोले रे मूढ़ कंस, जिस देवकी को तुम इतने आनंद पूर्वक विदाई दे रहे हो, इसकी अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल बनेगा। कंस ने देखा, भैया ये देवताओं का वाणी कभी झूठी होगी नहीं, किसी तरह से देवकी को बचानी चाहिए। उन्होंने बहुत तरह से समझाने के लिए कोशिश की। बोले भैया अपना शादी का समय में बहनी को क्यों मारोगे, जब तक जिंदा रहोगे ना तब तक तुम्हारी बदनामी होगी। बोले आकाशवाणी नहीं सुना? बोले मैं भी सुना। बोले एक दिन मरोगे कि नहीं? एक दिन तो मरोगे, जब मरोगे फिर बहनी को मार कर क्यों मरोगे, पर ये निंदा को क्यों ग्रहण करोगे? वसुदेव महाराज ने कहा, देखो तुम मेरे को जानते हो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरे जितने संतान होगा मैं तेरे को सब दे दूंगा, तू सबको मार देना, लेकिन बहनी को मारो मत मारो, ठाकुर को जो इच्छा। उन्होंने पहला बच्चे को जब उन्होंने कंस को दे दिया, उसका हृदय तो पानी पानी हो गया। बोले इतने सत्यवादी अपना बच्चे को काल को हाथ में, बोले भैया इसको ले जा, ये बच्चा क्या करेगा, अष्टम गर्भ का संतान से मेरा मतलब है। उन्होंने ऐसे ऐसे करके जब ये काम किया ना, नारद देखा गड़बड़ी हो गई, तब तक ठाकुर जी नहीं आएंगे जब तक पाप की घड़ा नहीं भरेगा, लेकिन इसके हृदय में तो दया की भावना आ रही है, ठाकुर आने में देर करेंगे। इतने में श्री नारद जी बिना बजाते बजाते आ गए, कंसो को एकांत स्थान में बुलाया। बोले कंस अभी अभी मैं स्वर्ग से आ रहा हूँ, महा श्री ब्रह्मा जी सारे देवता को लेकर के मीटिंग कर रहे थे, उसका विषय था तेरे को मारे कैसे, खबरदार ये जितने जदुवंशी कोई नहीं, ये जानते ये कौन सबके सब? बोले कौन? बोले स्वर्ग के देवता आए और जितने गोपियां और कोई नहीं, देवियां मारने के लिए प्लानिंग करके आए। तब उन्होंने एक कमल फूल लाए थे जिसमें 8 पंखुड़ियां हो। बोले बताओ तो इसमें पहला कौन, 8वां कौन? बोले गुरु जी 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले उल्टा से गिनाओ। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले गुरु जी आप बताना क्या चाहते? बोले इतना समझ में नहीं आ रहा है। बोले बगैर गुरु के थोड़ी ज्ञान होता है। बोले तुम तो सोच रहे हो पहला नंबर ही ये पहला नंबर होगा, ये देवताओं का बात समझना बड़ा कठिन। अगर वो उल्टा से गिने ना, जिसको एक कर रहे हो 8 हो जाएगा, और जो 8 ना वो 1 होगा, और जब 8 बच्चे होएंगे बड़े होएंगे कि नहीं,
जब बड़े होएंगे मिल करके मारेंगे। बोले गुरु जी फिर सबको मार दूं? बोले भैया मैं क्यों बताऊं, तू जानता तेरा बात जानता है। उनको बहका दिया और नारद तो भागे वहां से। कंस ने छह छह बच्चों को उन्होंने मार दिया। देखो यहाँ पर एक शिक्षा देते हैं। बोले भैया छह बच्चे कौन है? बोले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। ठाकुर जी को अगर कोई हृदय में बैठना चाहते हैं, पहले ये पांच छह बच्चों को मारो। ये कंस कौन? बोले भय। भय से हम भक्ति करते हैं। अगर भक्ति नहीं करेंगे फिर हमें वही 84 लाख जन्म में हमें भटकना पड़ेगा। इसलिए भगवान जो आए अष्टम गर्भ में आए। अष्टम गर्भ में क्यों आए? छह में सात में क्यों नहीं आए? वो आठवां गर्भ में क्यों आए? ध्यान देकर सुनो। कल मैं सबको ये पूछूंगा, आज तक मैं बताऊंगा, कल आपसे सुनूंगा। जो बोल देगा ना उसको बढ़िया इनाम दूंगा। जो बोल देगा उसको मैं कल इनाम दूंगा। भगवान ये अष्टम गर्भ में क्यों आए? सात में नहीं, छह में नहीं, पांच में नहीं, ये अष्टम गर्भ में क्यों आए? हाँ, कि जैसे क्लास 1, 2, 3, 4, 5 भी होता है, जैसे PhD होता है, भक्ति में भी कुछ PhD है। बोले भगवान कब मिलेंगे? बोले भक्ति की 8 स्टेजेस हैं, भक्ति की 8 सोपान हैं। भगवान अष्टम सोपान में मिलते हैं। बोले भक्ति का पहला स्टेज क्या? बोले श्रद्धा। जैसे सभी के हृदय में श्रद्धा है तभी हम लोग यहाँ आकर के बैठे कथा सुन रहे हैं। अगर श्रद्धा भक्ति नहीं होता हम यहाँ क्या आते? यहाँ आते ही नहीं। इसलिए भक्ति का पहला जो सोपान है श्रद्धा। फिर दूसरा जो सीढ़ी, बोले साधु संग। यहाँ पर आए तभी सत्संग सुन रहे हो, ठाकुर जी की कथा सुन रहे हो। बोले तीसरा क्या? बोले भजन क्रिया। भजन क्रिया मतलब जब सत्संग से हमें पता चलेगा भैया ये जीवन बड़ा दुर्लभ है, 84 लाख जन्म को बाद में दिया, किसी जीवन में भजन नहीं होगा, केवल इंसान का जीवन में भक्ति कर सकते हो, फिर हम क्या करेंगे? ठाकुर जी की भक्ति करना शुरू करेंगे। बोले जब तो चौथा जो स्टेज है, बोले अनर्थ निवृत्ति। अब सुन रहे कि नहीं? सब सुन रहे कि नहीं? कल मैं पूछूंगा, देखूंगा कौन बोल पाता है। चौथा जो स्टेज है अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति का मतलब होता है हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह है, चार तरह का अनर्थ है, असत, तृष्णा, हृदय द्रवल्य, अपराध और तत्व भ्रम। जब हम भक्ति करेंगे हृदय से सारे अज्ञान दूर हो जाएगा। जब अज्ञान दूर होगा ना फिर हमें रुचि। रुचि मतलब क्या? बोले रुचि मतलब अच्छी लगना। जैसे घर में कोई बढ़िया सब्जी बना हुआ, क्या बोले भैया और थोड़ा दो, और थोड़ा दो, बहुत बढ़िया बनाया, बहुत अच्छा बनाया। लेकिन उसी तरह जैसे भक्ति में अभी बोलो भैया हरि नाम करो, रुचि नहीं होता। लेकिन कोई सीरियल आ जाए 3-3 घंटा बैठ बैठ कर देख लेंगे। लेकिन बोलेंगे थोड़ा नाम करो, नाम नहीं होता। बोले क्यों? हृदय में पाप है, हृदय में हमारी अपराध पाप है। बोले भैया जाएगा कैसे? तब हमारे संत कहते हैं जैसे मिश्री मीठा है। आप लोग मिश्री खाए हो? कौन कौन मिश्री खाए हो? सबके सब खाए हो। मिश्री मिश्री खाने में कैसी लगती है बता? मिश्री खाने में कैसी लगता है? मीठा। लेकिन किसी को कड़वी भी लगती है। मिश्री किसी को कड़वा भी लगता है। आप बता सकते हो मिश्री किसको कड़वा लगता है? बता कौन बोलेगा, हाथ उठा। मिश्री तो मीठा है लेकिन किसी को मिश्री कड़वा भी लगती है, कौन बोलेगा, हाथ उठा। हे भगवान चुप हो गए। जिसको जंडिस का बीमारी हो जाए ना, पीलिया की बीमारी, आप देखना जो कुछ वो खाएगा सब कड़वी लगेगी, वो मिश्री भी उसको कड़वी लगेगी। लेकिन पहले इतने दवा नहीं होता था, डॉक्टर लोग बोलते थे बोले बेटा ये मिश्री चूसा करो। लेकिन मिश्री तो मीठा लेकिन तेरे को मीठा लगेगा नहीं। बोले क्यों? बोले तुमको भी जंडी से पीलिया की बीमारी, लेकिन मिश्री को फेंकना नहीं, चुसते रहना। और चुसते 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 तुम्हारी जो बीमारी धीरे धीरे सही होती जाएगी। जब तुम्हारी बीमारी सही हो जाएगी ना फिर तो ये मिश्री तुमको मीठा लगेगी, फिर तुमको मिश्री छूटेगी नहीं, लेकिन पहले तुमको कड़वी लगेगी। कहते उसी तरह ठाकुर का नाम भी मीठा है। इतने मीठा दुनिया में कुछ नहीं जितने ठाकुर का नाम मीठा, लेकिन अभी हमें अच्छी नहीं लगती। बोले क्यों? हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये अनर्थ है। लेकिन ये दूर कैसे होगा? ये दूर कैसे होगा? बोले धीरे धीरे ठाकुर का नाम जप करो। पहले एक माला से नाम जप करो, पहले एक माला करो, मन नहीं लगेगा तभी जोर जबरदस्ती बैठो, बैठ करके आदर पूर्वक एक माला करो। देखना जितने ठाकुर का नाम जप करोगे उतना हमारी पाप खत्म होती जाएगी, उतना पाप और इतना आनंद आएगा।
इतने आनंद आएगा ठाकुर का नाम में। महाप्रभु कहते हैं भगव महादाबाद निर्वापणम, हरि नाम करोगे ना संसार की जितने तुम्हारी दुख है, कोई तन से दुखी, कोई मन से, कोई धन से, परिवार से, सब दुख तुम्हारी खत्म हो जाएगी, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ठीक है ना। इसलिए जब ये सब खत्म, रुचि, रुचि मतलब टेस्ट लगना, फिर ठाकुर का नाम टेस्ट लगने लग जाएगी। जो पंचमा स्टेज है कद निष्ठा, निष्ठा मतलब क्या है, इतने पक्की हम बन जाएंगे जैसे मीरा, मीरा का नाम सुने हो, देखना मीरा जब भजन कर रही थी सारा राज्य उसकी विरोध हो गई, पति विरोध हो गया, देवर ननंद सास ससुर गांव के कुत्ता तक भी उसको पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन मीरा राज रानी थी, साधारण नहीं, संतों के बीच में बैठकर कीर्तन करती थी, भजन करती थी, सारा दुनिया उसको पीछे लग गई। इसी दुनिया में भी देखना कोई गलत काम करना कोई कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन थोड़ा गले में कंठी तिलक माला पहना दो, बोले ये सब क्या है, ये सब कहां से अपसंस्कार ले आए, ये सब गंदी चीज कहां से ले आए। इसलिए निष्ठा मतलब है मीरा के ऊपर में जितने भी पति आई, मीरा ने भले ही दुनिया को त्याग दी लेकिन भगवान के भजन उसने नहीं त्याग दी। अभी दुनिया में किसका नाम हो रही है, किसका नाम हो रही है, मीरा की नाम हो रही है, मीरा की नाम हो रही है ना, सारा दुनिया मीरा का भजन सुनते हैं, उनके नाम लेते हैं, ठीक है ना। भले ही जीवन में जितने बाधा विपत्ति आए लेकिन प्रभु का भजन कभी हमें नहीं छोड़नी चाहिए, इसको कहते निष्ठा है। उसको बाद में आसक्ति, आसक्ति मतलब क्या है, भगवान के प्रति इतने तुम्हारी आसक्ति हो जाएगी, इतने आसक्ति हो जाएगी छुड़ाने पर भी आसक्ति नहीं छोड़ेगी। उसको बाद में भाव, ये सप्तम स्टेज में भाव, मतलब भाव मतलब क्या है, जब भाव आएगा ना कभी कभी ठाकुर जी की मीठी मीठी बंसुरी सुनने को मिलेगी, वो कान खड़ा कर देगी, कभी कभी उसको यही से लगेगी ठाकुर जी की चरण की नुपुर की छमछम छमछम आवाज आ रही, वो कान खड़ा कर देगी, कभी कभी उसको यही से लगेगा ठाकुर जी आए और मेरे को स्पर्श कर रहे हैं, उनके जो रोंगटे खड़े हो जाएगी, कभी कभी उसको यही से लगेगा ठाकुर जी आए मेरे को अधरा मृत पिला करके चले गए, अपना होंठ को चाटने लग जाएगी, किसने मेरे को अधरा मृत पिलाया, कभी कभी यही से लगेगा जैसे ठाकुर जी मेरे सामने प्रकट हो गई, और इतने ठाकुर जी प्रकाशशील आग चकाचौंध हो जाता है, इस भाव का लक्षण है। लेकिन प्रेम ने साक्षात भगवान कृष्ण तुम्हारी सामने प्रेम अवस्था में ठाकुर जी स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए भगवान अष्टम स्टेज में आए, सप्तम गर्भ में बलदेव प्रभु, अब अष्टम गर्भ में भगवान जब आए, 33 करोड़ देवता भगवान की स्तुति कर रहे थे और भगवान का स्वागत कर रहे थे, अभी ठाकुर जी आ रहे हैं, देखना अगर यहाँ पर मोदी आ जाए ना प्राइम मिनिस्टर, देखना उनके लिए कितने स्वागत करेंगे। अभी दुनिया में कौन आ रहे, विश्व ब्रह्मांड के पालनहार ठाकुर जी आ रहे हैं, श्री वृंदावन धाम दुल्हन जैसे सज गई और जमुना की कलकल नाद करते हुए जमुना प्रवाहित हो रही है, सारे फूल फल से लद गई, कृष्णा अष्टमी का रात में आए, चंद्रमा पूर्ण रूप में चंद्रमा प्रकट हो गए, सारा दुनिया जय जयकार कर रहे थे। ठाकुर जी ठीक रात बीच में कंस की कारागार में प्रभु प्रकट हुए। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान आ रहे हैं, हम सबके सब ठाकुर का स्वागत करते हैं, ठीक है। आज तो भगवान जन्म लेके, कल हम श्री गिरिराज पूजा करेंगे, हम लोग कुछ ना कुछ गिरिराज के लिए लेकर के आना, अभी ठाकुर जी आ रहे हैं, अब ले आ भाई, देव की वसुदेव को लेकर के आना, अब ले आ। स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा।
तो आइए सभी लोग
सभी खड़े हो जाए की बधाई में नाचना है सभी को। हर सखी चलो नंद के द्वार, ओ द्वार लाला के पर सखी करे आवे, सखी चलो नंद के तो उसे 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता।
हरी हरी क्या हो गया हरी भाषा चौदह से लाभ योगियों में नर्तन नहीं बनता, इसलिए सभी लोग एक एक कुंड लगाएंगे, जितने बूढ़े भी हैं जो भी हैं सभी लोग कुंड लगाएंगे आज के लिए, ठीक है। अगर किसके गले में कोई सोने की चीज हो, कोई कान में कोई सोने की चीज, सावधान से ऐसे बोलना नहीं जो कथा में आए और सोने चोरी हो गए, इसलिए अगर किसके पास में सोने की कोई चीज है सावधान से रखना, क्योंकि कभी कभी इसमें भूतकारी भी आ जाता है, कोई राक्षस भी आ जाते हैं, इसलिए सावधानी से सभी सखी चंदन के दर्शन करे सखी कृष्ण जगत में क्यों आते हैं, वो तो अजन्मा है, लेकिन जगत में क्यों जन्म लेते हैं, ये एक ग्रंथ है जिसका नाम कृष्ण लीला की रहस्य है, और इसमें भगवान के प्रेम का अगर पाना कोई चाहते हैं, कैसे ठाकुर जी हमें जीवन में मिल सकते हैं, ये दो ग्रंथ हैं। अगर किसको लेने का इच्छा है, इसका कीमत 10 रुपया और इसका कीमत 20 रुपया, ये पीछे एक स्टॉल लगी हुई, जो कुछ लेना चाहते हो आप ले सकते हो, क्योंकि पैसा तो आज है कल नहीं, लेकिन ये ग्रंथ अगर किसी बच्चे को हाथ में भी पड़ जाए, अगर इसको पढ़ लेना उसका जन्म सुधर जाएगा, ठीक है।
वो पीछे से आप ले सकते हो। और प्रभु जी बता रहे हैं नाचनी चाहिए। देखो सबके सब हम नाच ही रहे हैं, कोई बीवी को सामने, कोई पति को सामने, कोई ननद को सामने, कोई सास को सामने, ये 84 लक्की ज्वेलिंग में हम नाच ही रहे हैं। लेकिन आज का दिन जो नाचेगा ना उसको कभी और नाचना नहीं पड़ेगा, वो सीधा ठाकुर के पास हो जाएंगे। क्योंकि ठाकुर जी जन्म हुए ना, ठाकुर जी देख रहे हैं कौन नाच रहे हैं और कौन नाच नहीं रहे हैं। और इस दुनिया में शादी होना बोतल पी पी कर पागल होकर के मेन रोड में नाचते हैं, और ठाकुर जी देखते हैं आज मेरे जन्म लिया, ये चुपचाप पेड़ जैसे खड़े हैं। Chalo, 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 ch
भागवत कहता है भगवान तो मानव शरीर दिया लेकिन किस जन्म पाकर के ठाकुर का कीर्तन में नाच सकते थे, लेकिन ये मानव शरीर पाकर के ठाकुर का कीर्तन में नाचे ही नहीं, बोले नाचा नहीं ना, अगले जीवन में पेड़ बन रहो, एक चरण में खड़े रहो, फिर तो हिलो बने डोलो बने, इसे सब एक बार हाथ उठाओ, सबके सब हाथ उठाओ, हाँ सबके हाथ उठना चाहिए, सबके बिल्कुल पीछे नहीं उठना, पता नहीं क्या हाथ नहीं है क्या पीछे भी उठाएंगे आप बोलेंगे अरे नंद घना संग भरो I'm gonna make you mine.
Oh,
Thank you.
एक बार में छलांग लगा दोगे फिर दो बार बोलूंगा नहीं, और जितने पतले मोटे और मोटे पतले हो जाएंगे सारी का सारी बीमारी सही हो जाएगी। ठीक है, एक साथ देखते हैं कि राधा रानी का जल जितना कन्या भी जा चुका है, हारनी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर नहीं नाचूंगा राधा रानी हार जाएगी, हराना नहीं राधा रानी को। एक बार ठीक है। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की।